और जो सर हैं वो काफी अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं खाली इतना सिंपल चीज बताने का। अच्छा हाँ काफी मतलब अराउंड 30,000 चार्ज कर दिया था खाली यही चीज सेम जो भी मैंने बताया हूँ। ओके रमेश जी, माइक अनम्यूट कीजिए अपने। गुड गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ इवनिंग। रही है? हाँ क्लियर है। हाँ सर, मैंने एक स्ट्रैटेजी सीखा था तो उसमें कैसा था कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर दो कंटिन्यूस कैंडल ने अगर सेम हाई बनाया है, अच्छा एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम हाई बनाया है, अच्छा या दो कंटिन्यूस कैंडल सेम मतलब इक्वल लोज बनाए, मतलब सेम लो एग्जैक्ट एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं, ओके तो अगर सेम हाई बनाया है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है, और अगर इक्वल लोज बनाया है दो कंटिन्यूस कैंडल ने तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। तो ठीक उसमें मैं ट्रेड करता था लगभग ऑलमोस्ट 3-4 महीने में कंटिन्यूस ट्रेड किया था, अच्छा ओके खासा ठीक प्रॉफिट हुआ था, है बट मालूम नहीं क्या हुआ फिर लॉस होने लगा तो फिर कॉन्फिडेंस मेरा छूट गया उसके ऊपर, फिर मैंने वो छोड़ दिया। ओके तो अभी आपने बात बताई कि मतलब किसी ना किसी का एक स्ट्रैटेजी लाइफ में ऐसा होगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा फिर हमने छोड़ दिया होगा, तो मेरे हाँ साथ ये हुआ है सर। ओके और मतलब वो जो सर हैं वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं खाली इतना सिंपल चीज़ बताने का। अच्छा हाँ काफ़ी मतलब अराउंड 30,000 चार्ज कर दिया था खाली यही चीज़ सेम जो भी मैंने बताया हूँ। हाँ ओके तो मतलब उसमें मतलब एंट्री नहीं समझ, मतलब एंट्री मिल जाता था बट वेरी उसमें कैसा निकलना है, गैप गैप अप गैप डाउन हो जाता था उसमें कभी कभी, और गुड सडन मोमेंट आ जाता था, तो उसमें अच्छा मेरे को दिक्कत आई तो फिर कॉन्फिडेंस छूट गया मेरा। काफ़ी स्ट्रैटेजी अच्छा था बट मेरा कॉन्फिडेंस छूट गया उसमें, फिर मैं छोड़ दिया उसको। परफेक्ट। इसमें वॉल्यूम का कोई रोल होता था या कोई इंडिकेटर लगता था? नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, बस खाली दो इक्वल्स हाई और दो इक्वल लो ढूंढना रहता था, और वो लाइन मार्क करके अलर्ट लगा के छोड़ देना था, यदि प्राइस उधर आएगा तो उस पे जस्ट बोलते थे ट्रेड लेंगे। अच्छा तो हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकआउट ट्रेड करते थे या फिर ब्रेक इन ट्रेड करते नहीं थे? नहीं ब्रेक रिवर्सल, ब्रेक इन, ब्रेक इन इन। जो आपने सिखाया है ब्रेक इन का, हाँ जैसे अगर दो इक्वल हाई बने हैं और हाई के पास प्राइस गया है तो ओके वहां से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो हम सेल करेंगे, ओके और प्रीवियस जो स्विंग होता था वहां पर वो बोलते थे स्टॉप लगाने के लिए, वेरी गुड तो वो भी एक डीमेरिट था क्योंकि कभी कभी स्विंग जो रहता था वो काफी ऊपर होता था, अच्छा और उसमें फिर मतलब मनी मैनेजमेंट मतलब ये अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठता था सही से, बट वो ओके बोलते थे नहीं होल्ड करो होल्ड करो, बट मेरे साथ भी दिक्कत आई थी। ठीक है ओके। एक सेकंड दीजिए, इसको नोट करते हैं, इसको देखेंगे, ये और बेहतर हो सकती है, इसमें पोटेंशियल है। प्रकाश जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैं पहले ट्रेडिंग करता था ब्रेकआउट अच्छा पे। ब्रेकआउट पे एक जो एग्जांपल है आपके जो स्क्रीन पे अभी जो ब्लैक कैंडल है जो लॉन्ग, तो ठीक है, बड़ी वाली वो कैंडल। हाँ बड़ी वाली कैंडल ब्लैक है वो, हाँ अगर या ये जो कैंडल अभी लास्ट में जो ब्लू बनी है फर्स्ट फर्स्ट कैंडल है ओके वो स्टेज उसके ऊपर जानी चाहिए। ब्लैक ब्लैक का जो हाई है ना उसके ऊपर जानी चाहिए, तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता था। मतलब हमें स्टेज वाइज करता था वो, स्टेज अगला स्टेज में मैं ब्रेकआउट यहाँ से होता था तभी मैं करता था। लेकिन उसके क्या है कि कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, बहुत ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी। समझे नहीं हम, जैसे ये बड़ी सी कैंडल है अपनी, हाँ उसके ऊपर जब ये ट्रेड होगा ना शुरू, बड़ी कैंडल का हाई यहाँ मार्क करते हैं हम लोग, ओके और इस तरफ जे जो जब उसका हाई क्रॉस जब होगा तभी हम ट्रेड मारते हैं उसको, ब्रेकआउट ओके होगा। ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली कैंडल थी इसका कुछ परसेंटेज था कि इस इतने परसेंट मैं से? नहीं परसेंटेज नहीं था सर, लेकिन यहाँ क्या है उसका स्टेज ट्रांजिट होता था, इसका इसका स्टेज यहाँ से चेंज होता था, इसलिए हम वही देखते हैं।
ओके, एक नहीं पता भरना है। तो ये ही कैंडल क्यों, इस वाली ब्लैक कैंडल को या ये वाली ब्लैक कैंडल क्यों नहीं ले ली? नहीं, नीचे वाले का हम लोग को क्या, मैंने एक प्रोग्राम पहले किया था, तो वो क्या है, ये फर्स्ट स्टेज का है सब। यहाँ क्या कोई फिक्स नहीं रहता कि कहाँ तक मुंह जाती है नहीं जाती है, और कहाँ तक ये साइड में रहता है। ये साइड में मतलब कहाँ ज्यादा रहता है। ये तो ठीक है, लंबी कैंडल है, ब्लैक कैंडल छोटी भी ठीक हो है, सकती है, लेकिन ये साइड में मार्केट रहता है। जब साइड में से बाहर निकलता है मार्केट, तभी हम ट्रेड करते हैं। स्टेज चेंज होता है तो भी कभी, अच्छा मतलब मतलब हाँ जब हाँ तक साइड वे मार्केट रहता है, तब तक हम लोग उसमें एंट्री नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है। तो आपका मतलब कि जब तक प्राइस हमारी इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर है, ये साइडवे है, और जैसे ही बाहर निकलेगा ये ट्रेंडिंग हो जाएगा। हाँ, ये ट्रेंडिंग तभी होगा। अच्छा, और एवरेज कैंडल्स जितनी बन रही हैं, एवरेज कैंडल से बड़ी अगर कोई कैंडल बनती है तभी आप उसका हाई मार्क करते हो। नहीं, इसमें एवरेज की नहीं, जब जब ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड जब खत्म होता है, जब अप ट्रेंड शुरू होता है सर, तो हाँ अप ट्रेंड शुरू होता है तो सब, तो हम लोग ये ब्लैक कैंडल एग्जांपल है, ये ब्लैक कैंडल हम मार्क कर देते हैं। ठीक जब है, ये ब्लैक कैंडल को क्रॉस करेगा जब प्राइस, तभी उसको स्टेज चेंज माना जाएगा, तब तक ये साइडवे माना जाएगा। मतलब अच्छा क्योंकि ये अप ट्रेंड उसका शुरू हो चुका है, मतलब ये डाउन ट्रेंड पहले साल ब्लैक कैंडल तक, और अभी जो शुरू हुआ है वो अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, और यहाँ से उसका कंफर्मेशन मिलता है ब्लैक अच्छा कैंडल क्रॉस होने के बाद, अच्छा वहां से अप ट्रेंड शुरू होता है हमारे ख्याल से, इसलिए वहां ट्रेड करते हैं हम लोग। ओके। तो अभी अगर हमें ये देखना है तो हम इस ब्लैक वाली कैंडल को मार्क करके रखेंगे, और जैसे ही प्राइस बाहर निकलेगा हम इसे बाई करेंगे। हाँ, और वहां का क्या, मिनिमम हम लोग 5% का स्टॉप लॉस लेते थे, मतलब ये इंट्राडे में करते हाँ थे? नहीं, इंट्राडे नहीं, पोजीशन में सर। अच्छा, पोजिशनल में। हाँ, 5% हम स्टॉप लॉस लेते थे उसमें। अगर 5% स्टॉप लॉस होता तो छोड़ देते हम लोग, जाने दे, स्टॉप लॉस हो जाने देते। अगर ओके ऊपर होता तो स्टॉप लॉस को हम रिवाइज करते थे उसको। ओके ठीक है। तो और हमें कई बार ऐसा हो, और कई बार ऐसा भी होता है सर कि इसमें क्या है कि मार्केट यहाँ से 5% ऊपर चल जाती है मार्केट, तो 5% पे आधा आधा प्रॉफिट बुक कर देते हैं, ठीक है, और आधा को स्टॉप लॉस पीछे रिवाइज कर देते हैं, जहां से बाइंग किया वहां रख देते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख देते हैं। हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट रख देते हैं, आधा आधा पोजीशन, आधा पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी है कि प्राइस की जो कैंडल बनेगी ब्लैक वाली वो बड़ी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कंपलसरी स्टेज ट्रांजेक्ट होना चाहिए सब। ये क्या, अप ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां से ये लास्ट मूव बड़ा हुआ है, ये ब्लैक कैंडल, हाँ इसीलिए ये ले सकते हैं, या फिर तो उसके बगल वाली जो है ना हैमर ब्लैक, ये वाली, हाँ, उसके ऊपर हाई का उसका रख देते हैं, वहां से भी चलेगा। तभी यहाँ क्या, स्टेज थोड़ा यहाँ क्या है, उसके बाद यहाँ भी थोड़ा कंसोलिडेट होगा मार्केट, यहाँ वहां जाने तक, वहां जाके वापिस भी आ सकता है, कंसोलिडेट होगा। जब उसका ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग एंट्री करते हैं। तो स्टेज चेंज का मतलब जैसे आप ये बोल रहे हो, तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक्स तो नहीं है कहीं? नहीं, वाटर बॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, और यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है, वहां से जो हमने लाइन खींची है वो, कि भाई अब ट्रेंड उसका शुरू हो चुका है, मतलब अच्छा वहां हमसे कंफर्मेशन लेते हैं, और 5% का स्टॉप लॉस रख देते हैं। अगर नीचे जाना हो मार्केट को, 5% हम लॉस करके निकल जाते हैं। अगर ऊपर चलता है तो 0.5%, हाफ पोजिशन 5% अप जाती है, तो हम लोग हाई हाफ पोजिशन स्पेयर अप कर लेते हैं, और हाफ को कॉस्ट टू कॉस्ट रख देते। ओके। अच्छा, तो इस सिस्टम पर आप काम कर रहे हो अभी? नहीं, अभी नहीं कर रहा हूँ। क्या रीजन है कि नहीं कर रहे आप? अभी क्या है कि थोड़ा मुझे, मैं जॉब कर रहा हूँ, वहां सबसे वो सब पॉसिबल नहीं रहता है, और मेरा 2-3 बार स्टॉप लॉस हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है सर, ये इसी वजह तो से। पोजिशनल में ऐसा क्या है, आप 2, 4, 10, 5 क्वांटिटी लेकर के डाल सकते हो, प्रैक्टिस चलती रहेगी? ये तो पोजिशनल है, आप तो ऑफ मार्केट भी कर सकते हाँ, ऑफ मार्केट भी कर सकता हूँ सर, 5-5 क्वांटिटी भी कर सकता हूँ मैं हो। हाँ इसमें। नहीं, 5 आप एक ही लेकर के रख लो, हाँ,
है ना, एक एक क्वांटिटी में जितना प्रॉफिट होगा, बाद में क्वांटिटी तो इंक्रीज करनी, प्रॉफिट तो उतना ही होगा आपको, हाँ उतना ही होगा। है ना। तो आप एक एक क्वांटिटी के साथ काम करो, इसके ऊपर अगर बिलीव है आपको सिस्टम के ऊपर। बिलीव सर, ये तो क्या है क्या सर, क्या हम खोजते रहते हैं कुछ ना कुछ नया, श्योर, जो क्या शॉर्टकट ढूंढने की आदत हो गई ना सबको, हाँ ये शॉर्टकट कहाँ मिलता है, हाँ इसीलिए एक सिस्टम क्या दूसरे सिस्टम क्या, ये खोजते रहता हूँ मैं, कभी कभी वीडियो देखता रहता हूँ, ये इसीलिए भाई कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए मैं आपके साथ ज्वाइन किया भाई, कुछ नया भी मुझे सीखने को मिले इसलिए। चलिए ठीक है। लेकिन जो चीज़ आप मान लीजिए नए के तलाश में आप हमसे कुछ सीख रहे हो, ऐसा ना हो कि जब 2 महीने के बाद में क्लास अपनी खत्म हो तो फिर से आपको कुछ नया सीखना हो और आप कहीं और जाकर के बैठ गए नहीं सर ऐसा नहीं है कहीं। सर, नहीं लेकिन नहीं सुनिए, ये नहीं, वो बात कहीं सही है आपके, वो सोचना सही है आपका, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि मुझे भी थोड़ा सक्सेस का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मतलब कि भाई चलो ये सिस्टम मेरे लिए बनी है, चलो मैं इसमें काम कर सकता हूँ, इसमें मैं 50% अभी तो चलो 25% भी सक्सेस हूँ, आगे 50% होगा, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए अंदर मेरे को, अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो कोई चेंज करने की तो बात आती नहीं है सर, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए जो मेरे पास सिस्टम है वो, होगा लेकिन देखो। उसमें कुछ मेरे में भी कुछ प्रॉब्लम होगा कि भाई मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ ये वगैरह कुछ, और नेगेटिव सोचता रहता हूँ, मेरे में प्रॉब्लम ज्यादा है कि मैं उल्टा सोचता हूँ हमेशा, मार्केट ऊपर चलती है मैं शॉर्ट करने का ढूंढता रहता हूँ, फिर ये भी प्रॉब्लम है मेरे में। अब ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको मालूम है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, हाँ और इस इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें लग रहा है शायद आप क्लासेस बार बार चेंज करके नई चीज सीखने से आपको ये लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना। लेकिन नई चीजें सीखने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, बल्कि ये और बढ़ती जाएंगी। एक छोटी सी बहुत कमजोर स्टडी जो आपने अभी हमको बताया है ना, हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ कुछ उस जगह पर पहुंच रहे हैं। इस सिस्टम को भी अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाओ, एक चीज मान करके कि फिर और कुछ हमें चाहिए नहीं, कुछ नया नहीं चाहिए हमें, बस इसी सिस्टम से हमें प्रॉफिट होगा और इसी से लॉस होगा। आप लग जाओ और 2 साल तक सिर्फ इसी सिस्टम से बैठो, आपको फिर किसी दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी नहीं। 2 साल सर ये तो ठीक है आप, लेकिन 2 साल रहना तो पास करने में बहुत वो लग जाता है। नहीं होगा तो फिर होगा नहीं आपसे, तो इससे अच्छा है कि आप छोड़ दो। हम भी अभी जो चीज आपको बता रहे हैं, हम 1 या 1.5 महीने में आपको किसी सिस्टम के बारे में बताएंगे, लेकिन उस पर आप मास्टर नहीं हो पाओगे। अगर हम आपको डबल बुलिश या डबल बेरिश के बारे में बता रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस 1 हफ्ते तक हम अपने सामने कराएंगे आपको। 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में आप क्या समझ पाओगे कि डबल बुलिश या डबल बेरिश, ये सभी लोग सुन लीजिए फिर, अगर ये बात उठी है तो, डबल बुलिश या डबल बेरिश में प्रैक्टिस के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये 1 हफ्ते में सामने आ जाएंगे। मानते हैं इस बात को कि एक डबल बुलिश डबल बेरिश से हम अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी। तो 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअस जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रॉब्लम्स अपने अपने सामने आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे। असल जो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई क्लास खत्म हो जाने के बाद में, फिर जो रियल मार्केट में आप काम करोगे ना, तब उसकी प्रैक्टिस शुरू होती है। एक एक फॉर्मेशन आप कम से कम मान करके चलो कि साल से 1.5 साल ले लेती है, एक फॉर्मेशन की ही प्रैक्टिस में। आप 2 बार स्टॉप लॉस जाने से किसी भी सिस्टम को बाय बाय नहीं कर सकते, तो आप भटकते रहोगे। कहीं और जाकर के सीखना बुरी बात नहीं है, जो अभी हमने कहा ना कि यहां से उठ करके क्लास खत्म हो गई कहीं और जाकर के आप सीखने लगे, सीखना बुरी बात नहीं है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है और जरूरत ही क्यों पड़ी किसी दूसरी जगह जाने की। क्या अभी जो हम सिखा रहे हैं ये आपके लायक नहीं है, या उससे आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, या इससे पहले जहां पर आपने सीखा है उससे प्रॉफिट नहीं बना सकते पेशेंस की कमी है सर। ना? बस आपको मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है तो उसके ऊपर काम करो। क्लासेस चेंज करते रहने से या नई नई क्लासेस ज्वाइन करते रहने से कुछ होने वाला है नहीं, नहीं सिर्फ आपके मैं समय और ऐसा पैसे का नुकसान है बस। इसीलिए मैंने ये ज्वाइन नहीं किया सर, लेकिन आपके पास में जो इंटरनेट सिस्टम देखा ना, इसीलिए मुझे थोड़ा अप्रिशिएट लगा, इसीलिए मैं क्योंकि तो मैं कर रहा हूँ पोजिशनली कर रहा था, अच्छा तो अच्छा मुझे थोड़ा इंटरेस्ट इंटरडे में है, हाँ तो सो आई ज्वाइन विथ यू, ओके 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 ठीक मेन माने पर्पस वही है कि इंटरडे में मैं काम करना, जो मैं उल्टा सोचता हूँ
शॉर्ट सेलिंग का ज्यादा सोचता हूँ मेरे माइंड में, तो ओके ये कैसे मैं कहाँ तक हद तक सॉल्व कर सकता हूँ मैं, इसीलिए मैंने इंट्राडे में पहले शुरू करने का सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने किया। ठीक है ठीक है, वो सही हो जाएगा, वो हम सही कर देंगे आपका। मैं ज्वाइन ज्यादा नहीं करता हूँ सर, एक ही सर के पास से मैंने लिया है पहले, सीख रहा हूँ मैं। अच्छा। और ज्यादा चेंज भी नहीं किया, वीडियो देखता हूँ सबका मैं। हाँ हाँ लेकिन ज्वाइन मैंने किसी के दूसरे के साथ नहीं किया, आपके साथ किया दूसरा, वही चलिए ठीक है ठीक है, वीडियो देखता रहता हूँ और कुछ नहीं सर। ठीक है सही, ठीक है फिर सही है, बस फोकस करिए, एक जो सिस्टम आपने पोजिशन का बना लिया तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो, छोड़ो नहीं, दो तीन स्टॉप लॉस चले गए तो उसको छोड़ मत दो इस चक्कर में। लेकिन क्या है कि वो स्टॉप लॉस रहता है, पेशेंट थोड़ी कम हो जाती है, क्या यार ये होता है, ये होता है, मन कंफ्यूज आ जाती है। हाँ वो होता है, वो स्टेज होता है एक तरह से, एक इरिटेशन आता है। मेन वो इसलिए कि भाई आप उसमें हमें लोग सपोर्ट करते हो, भाई ये होता रहता है, ये इसलिए हमको अच्छा लगता है, इसलिए हमने काम करते रहता है, भाई चलो भाई कुछ तो जवाब मिलता है सामने से, इसलिए क्या हमको थोड़ा अच्छा फील होता है। बेसिक नेचर है, ये सभी लोग फील करते हैं, जो इसको पार कर ले जाता है वो बन जाता है, जो इसी चीज से घबरा गया या इरिटेट हो गया वो होता नहीं था। बचपन में कुछ बच्चों की कहानियां सुनते हो कि स्कूल में टीचर ने कुछ काम किया, हमने नहीं किया, हमने टीचर को मार दिया और स्कूल से चले आए। सुनो कुछ कुछ बच्चे अभी तक, एक दो बच्चे आपने देखे होंगे जो ऐसी बातें बोलते हैं, या बड़े बड़े होकर के कि स्कूल में पढ़ने गए थे और हमारी लड़ाई हो गई और टीचर को हमने मार दिया, वहां से चले आए। बाद में उस बच्चे का क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं मजदूरी ही कर रहा होगा। वही हम लोग अपने सिस्टम, मेरा टीचर यही स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी से हम इरिटेट होकर के हमने उस स्ट्रेटजी को तुरंत छोड़ दिया, और यही प्रोसेस हम अपनी जो जितनी भी स्ट्रेटजीज हमारे रास्ते में पड़ती हैं सबके साथ हम यही करते हैं। जहां 3 या 4 स्टॉप लॉसेस गए, इरिटेट होकर उस स्ट्रेटजी को छोड़ दिया। ये तो मार्केट हमसे करवाता है। हाँ इस चीज को यही करवाता है, इस चीज को पहले से मान करके चलना होगा कि स्टॉप लॉस तो जाएंगे ही, लेकिन 1.5 से 2 साल आप किसी भी सिस्टम पर दो, आपको फिर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, और ये सच्चाई है। नहीं नहीं सच्चाई है ना, इसलिए कोशिश कर रहे हैं अभी। ओके अच्छा है, डिस्कशन सही है, अच्छा अच्छी दिशा में जा रहा है। बाकी जिसके ऊपर आप काम करो ना, उसको रखो ऑफ मार्केट, मार्किंग्स कर लो एक क्वांटिटी के साथ, भले ही 1 रुपये पर ट्रेड मत करो, लेकिन एक क्वांटिटी को होल्डिंग में अपने पास रख लो, बहुत लॉस नहीं होगा आपको। इसीलिए हम स्टॉक भी उसमें सिलेक्ट करते रहते हैं, देखते रहते हैं कई बार, और ये करते रहते हैं जो उसको जो जो सेकंड स्टेज में पहुंचता है उसी पे हम लोग फोकस करते हैं, 8-10 स्टॉक निकाल के, वही और कुछ नहीं। ठीक है, स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे स्टॉक्स को उठाते हैं वो हम सिस्टम बता देंगे ना, तो वैसे स्टॉक्स में अपना सिस्टम अप्लाई कर दीजिएगा। ओके ठीक है, ये और बेहतर हो जाएगा फिर। ठीक है चलिए, ओके प्रकाश, इसलिए हम मैं मेरे सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकता हूँ वही मैं सोचता रहता हूँ, बस और कुछ नहीं सर। वो इसीलिए मैंने आपके साथ ज्वाइन किया, मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है आपका, मैंने वीडियो देखा थोड़ा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया, वही मैंने दूसरा क्वेश्चन किया ही नहीं सर। ओके ओके ठीक है, ओके थैंक यू, ओके शुक्रिया प्रकाश जी। ओके ठीक है, अनुपम साहब माइक अनम्यूट कीजिए। अनुपम जी आवाज आ रही है, गुड इवनिंग। हाँ आ रही सर, गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए सर। मैं सिर्फ 2 सेटअप पे काम किया हूँ। अच्छा, फर्स्ट तो मेरा एक ऐसा सेटअप है जिसमें मैं सिर्फ स्टॉक्स को फर्स्ट पहले से सेलेक्ट करके रखता हूँ। अच्छा। वो जो सर जिस पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें वही मेरे उस जिस पैटर्न से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ उसी पैटर्न का स्टॉक होगा वो, और उसी पैटर्न से उसमें एंट्री मिलेगी तभी करूंगा। एंड बताता हूँ सर मैं। और सेकंड चीज है सर, मैं एक आपने आपका वीडियो भी पढ़ा है लेकिन मैं उसको पहले नहीं जानता था, एक लॉन्ग बिल्डअप करके मैं पहले जानता था। लॉन्ग बिल्डअप में जो भी स्टॉक मुझे मिलता है उसको मैं दूसरी तरीके से ट्रेड करता हूँ, और जो मेरे पास पहले से स्टॉक है उसको मैं दूसरी तरीके से ट्रेड करता हूँ। और एक स्टॉक अगर मैंने आज की डेट में, सपोज करिए आज की डेट में अगर कोई स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट में डाला है तो मैं उसको अगले 1 वीक तक कंटिन्यू ट्रेड करता हूँ। Okay. एक दिन मिले, अगले दिन मिले, ट्रेड मिले ना मिले, वो डजंट मैटर सर। Okay. अब सर स्टॉक सिलेक्शंस में कैसे करता हूँ,
मैं सबसे पहले वो स्टॉक को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि जिस स्टॉक का, पहले मैं सर सारे स्टॉक्स को देख लेता हूँ जिसमें मुझे नेकेड आई से ये लगे कि ये एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में वन डे के चार्ट में जा रहा है, समझ गए। नेकेड हाँ आई से। हाँ समझ गए समझ गए। इसके बाद सर, हाँ इसके बाद सर वो जो स्टॉक मुझे मिलेगा उस स्टॉक का सेक्टर मैं उसी नेकेड आई से देखूंगा कि वो किस जगह पे है, किस पोजीशन पे है। अगर सेक्टर किसी स्विंग्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वो स्टॉक मुझे उस स्विंग के पास में या किसी रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो मैं उसको इमीडिएट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में सर वैसे कर, सर आवाज आ रही सर, हाँ स्टार्ट करूँ? क्लियर ओके क्लियर। हाँ हाँ बोलिए। सर। फिर सर जो स्टॉक मुझे मिलेगा सर, अब उस स्टॉक में मैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, जो कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसको तब तक नहीं मानता हूँ जब तक कि वो मुझे प्रूव ना कर दे। मैं अच्छा सिर्फ एक लाइन मार्क करता हूँ उनको। मैं ये बिल्कुल भी ये अपना व्यू नहीं रखता हूँ कि इसमें ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये मेरे सपोर्ट है, पर हाँ मैं जस्ट एक लाइन, चार लाइन, मेरे मेरे लाइन में से चार लाइन मैक्सिमम मार्क होती हैं, और कहीं कहीं छोटी छोटी अगर दो लाइनें होंगी तो एक जोन मार्क होगा ठीक है। उसमें। सर मैं अब जी जो भी मैं स्टॉक लेता हूँ सर, मुझे सिर्फ 75 मिनट्स का ही कैंडल मुझे और अच्छे से समझ में आता है सर। अच्छा तो मैंने हाँ सर, पहले मैं फर्स्ट ओवरव्यू वन डे में उसको देख लेता हूँ, मुझको ये पता है कि ये एक स्विंग के रेंज पे टहल रहा है और इसका सेक्टर ऑलरेडी ऊपर घूम रहा है। ये समझने के बाद सर मैं उस चार्ट को 75 मिनट्स में प्लेस करता हूँ। इसका 75 मिनट्स में प्लेस करने के बाद में सर उसमें मैं एक स्विंग लो ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और उस स्विंग लो में मुझे तीन कैंडल का एक पैटर्न चाहिए होता है, जो शायद आपने पढ़ाया है, सेम वही पैटर्न में ढूंढता हूँ अच्छा उसमें। बस सर अगर वो बॉटम पे मुझे मिल रहा है तो उसमें मुझे एक एक रेड कैंडल चाहिए, इसके बाद में एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप चाहिए, मतलब जो ऊपर से विक रिजेक्शन हो और नीचे से होल्ड की हुई कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद में सर दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करना होना चाहिए, तो वो एक हमारा बॉटम बनेगा 75 मिनट्स में सर, किसी अच्छा भी स्विंग का। ठीक है ये मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वो एक 75 मिनट्स का बॉटम है, और ये भी मुझे कंफर्म रहेगा सर कि अगली बार जब भी वो 75 मिनट्स में इसके ऊपर आएगा वहां पे सेम ऐसे ही फॉर्मेशन को फिर से बनाएगा। ओके वो एक मेरे पास वहीं पे एक मार्किंग होगी, वहीं पे एक मेरी लाइन डालूंगा मैं। वो स्टॉक जब मैं ओपन करूंगा तो वो लाइन मेरे अगर पास में मिल रही है, जो भी रिसेंट स्विंग होगा मैं वहां पे देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत पीछे देखने से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करने जा रहा हूँ ठीक 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 हाँ हाँ सही वहां पे। हाँ सर वहां पे मैं इस बेस से मैंने चार लाइनें डाली सर। हाँ इसके बाद में सर अब वो चार लाइनें मैं अगले दिन जब मार्केट ओपन होगी मैं उसमें ये देखने की कोशिश करता हूँ कि प्री ओपन के मार्केट सेशंस में इसकी ओपनिंग कहाँ दिखा रहा है। अच्छा वेरी मतलब ये मेरे लिए सर, जैसे ऊपर से मैंने चार लाइनें डाली, चार हाँ लाइनें में नीचे दो बॉटम की लाइन के दो दो नीचे की लाइन छोड़ दीजिए, दो ऊपर की लाइन छोड़ दीजिए, कहीं बीच में ही उसने ओपनिंग दिखाई है, ठीक है और उसके जो नीचे वाला लाइन है सर वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, क्योंकि वो 75 मिनट्स में मैं उसको मार्क करके लाया हूँ। हाँ उसके बाद सर वो सेक्टर ऑलरेडी उसका ऊपर है तो ये रेंज में फंसा हुआ है, इसको यहाँ से निकलना होगा। अगर वो खुलने के बाद में उस लाइन के पास में आता है, आने के बाद अब सर मेरे लिए एक फाइंड करना होता है एंट्री के लिए कुछ कैंडल्स, वो मैं कैसे एंट्री करूंगा। उसके लिए सर मैं देखता हूँ कि उस जोन के पास में आने के बाद में आते समय कोई एक रेड कैंडल बनी होनी चाहिए जिसमें बहुत हाई वैल्यूम आया हो, ओके लेकिन सर वो रेंज को ब्रेक नहीं किया होना चाहिए, और अगली जो रेड अगली या तो रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने वो डजन मैटर, ठीक है हाँ लेकिन अगर ये रेंज को सर ब्रेक करके इनसाइड हो जाएगा तो जो सेकंड कैंडल अगर ब्रेक करने के बाद इनसाइड हो गई और अगली कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी मैं वहीं पे एंट्री लूंगा और उसी के नीचे का जस्ट स्टॉप लॉस स्टॉप लगाऊंगा। लॉस। हाँ सर, और मैं वेट करूंगा जो भी 75 मिनट्स का मेरा स्विंग ऊपर से जहां से रिजेक्ट होके दो तीन कैंडल नीचे आई होगी मार्केट, मैं हाँ वहां तक का टारगेट अपना लेके चलता हूँ। ओके ऐसे मैं से ट्रेड करता हूँ, और ये तो मेरा जो पहले से स्टॉक मेरा सिलेक्टेड है उसके लिए है। ठीक है अगर मैं
लाइव मार्केट में मैंने पहले से कोई स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया है, मैं हाँ जस्ट लाइव मार्केट में आके मैंने देखा है। तो ओके अगर मैं निफ्टी का मूड देख रहा हूँ कि वो एक बाइंग डायरेक्शन में जा रही है, हाँ तो मैं उसमें लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में मैं वो स्टॉक देखता हूँ जिसने 5 मिनट्स में प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे गया हो। सुन पा रहे हैं सर? हाँ 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 और फिर मैं उसी स्टॉक को 75 मिनट्स में डाल के ये देखता हूँ कि ये किस सपोर्ट पे आ रहा है। ओके मैं उस सपोर्ट तक इंतजार करता हूँ और उस सपोर्ट पे आने के बाद में फिर से कोई एक एंट्री मैट्रिक्स देखे वहीं से बाई करता हूँ, जहां से कैंडल ने आज की ओपनिंग होगी उस ओपनिंग तक का फर्स्ट टारगेट और उसकी फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का सेकंड टारगेट लेके निकल जाता हूँ। ओके जैसे सर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं टाटा स्टील को, सर आप देख रहे होंगे मैं बहुत दिन से आपको टाटा स्टील का मैसेज करता रहता था। मैं टाटा स्टील को आई थिंक 23 मई या 24 मई के आसपास से देख रहा हूँ, जब इसका प्राइस 105 पे था। 105 और पीछे जाइए सर थोड़ा, ये और पीछे जाइए, और हाँ इसको यहाँ अब, और हाँ यहाँ पे आइए सर, 105 पे आइए। हाँ ये सर, ये जो नीचे जो बना हुआ है सर, ये स्विंग नीचे आगे वाला स्विंग सर, 23 मई के आसपास। हाँ यस सर, इस सर इस प्राइस को, ये जो सर रेड कैंडल बनी है सर, हाँ ये रेड कैंडल बनी है सर, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, हाँ फिर एक ये ऊपर बनी है ग्रीन कैंडल, हाँ बनी है सर, हाँ ये सर अभी वनडे में भी सेम दिख रही है आपको जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा और सर अगर इसको आप 75 मिनट्स पर लगाएंगे ना, तो हाँ बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्विंग बॉटम दिया था इसने, इन्हीं 2 दिन 22 तारीख को एक बॉटम बना के दिया था, मुझे ये कंफर्म था कि अगले दिन ये बॉटम जरूर टेस्ट होगा, और ये आई थिंक 24 या 25 को ये बॉटम यहाँ पे रेड कैंडल के साथ टेस्ट हुआ है। हाँ ये वाला, और हाँ और सर 105 पे ही बाइंग थी, पहला कंफर्मेशन मेरा यही था, और इसको मैंने 105 से उठा के 115 का फर्स्ट टारगेट लगाया था और 117 का सेकंड टारगेट सोचा है। बहुत बढ़िया, ये वाला जो स्विंग था। हाँ हाँ सर, ये आप 75 मिनट्स में सब देखेंगे ना सर, तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्विंग दिखाई देगा। 75 मिनट्स आपको में लग रहा होगा सर, नहीं इस पर नहीं है, एस्प्रेसो में या धन वाले में आता है सर। हाँ हाँ धन पे आ जाएगा, धन अब में आता स्टॉक है, में आ धन में जाएगा। आता है। हाँ सर एक बार आप देखिएगा इसको। और सर जैसे सेकंड एग्जांपल सर, मैं आपको 4-5 दिन आप छुट्टी पे जब थे, तो हाँ मैं आपको 2 स्टॉक बार बार भेज रहा था, एक सिप्ला भेज रहा था और एक सन फार्मा भेज रहा हूँ। सिप्ला सिप्ला जैसे सर भेजा था मैंने आपको, जब आपने मुझसे पूछा था ना सर कि अनुपम जी आपने सिप्ला में क्या किया, ठीक है तब मैंने सर आपको ये बताया था कि सर ये मेरे बाइंग जोन पे आ गया है और हाँ वहां से मैं एग्जिट कर गया हूँ, राइट सर? ठीक है तो वो जब सर आप उसमें, मैंने आपको चार्ट सिप्ला का मतलब भेजा था आपको, आप उस चार्ट को अगर मेरा देखेंगे तो एग्जैक्ट 993 से 995 के बीच का जो जोन था, उसी जोन पे एग्जिट किया था, क्योंकि वो मेरे लिए एक बाइंग जोन था सर, इसलिए मैं वहां से एग्जिट कर गया था। सुबह डबल टॉप बना था तो मैं भी सेल मार दिया था, फिर वहां से मैं एग्जिट कर गया था। एंड सर अभी मैं कंटिन्यू में वॉच कर रहा हूँ सन फार्मा को, जैसे कि ये SNX फार्मा ऑलरेडी स्विंग हाई ब्रेक करके अप साइड में चल रहा है, सन फार्मा कंटिन्यू 1 वीक हो गया है सर वो एक रेंज पे स्टक है, जो कि बहुत अच्छी एक रेंज बना रहा है सर। यस सर, एंड सर देखिए जो लास्ट कैंडल बनी है सर, ये कैंडल का वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है, कंटिन्यू 6 दिन तक इसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आ रहे हैं, 73, ठीक है 75, 78%। अब मैं सर कल के लिए इसको ऐसा सोच के रखा हूँ कि जैसे ही ये जो सर ये, हाँ जैसे सेम सर सेम जैसे ही ये कल कैंडल ब्रेक करेगा सर, ये अप मूव देगा कम से कम इस कैंडल के ऊपर जाएगा सर, क्योंकि 75 मिनट में यहाँ पे आप देखेंगे सर, तो ये जो आपकी 11 तारीख की जो एक कैंडल दिख रही है इनडिसीजन कैंडल, ये 11 तारीख इनडिसीजन की, कैंडल पे, हाँ 11 तारीख के आसपास की एक इनडिसीजन कैंडल वनडे में जो दिख रही है ये सर, यहीं पे सर 75 मिनट का एक बॉटम बना है, और उस बॉटम की ऊपर वाली ये जो लाइन बन रही है ना 996 की सर, ये उसका एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको
कल के दिन 75 मिनट्स में मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की पूरी कोशिश की है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल ये इसके ऊपर निकलेगा तो एक इसमें अच्छी बाइंग आनी चाहिए। बाइंग आएगी? हाँ सर, मैं सर आपको अभी इस क्लास के बाद ना सर, या क्लास की ड्यूरिंग क्लास में ही मैं आप 75 मिनट्स का इसका चार्ट शेयर करूंगा। ठीक है। बस सर सेम सेटअप पे मैं काम करता हूँ, और एक बहुत पहले मैं करता था सर, रिलायंस को इसे ट्रेड करता था, और रिलायंस में सिर्फ और सिर्फ उसके स्विंग लो पे ही बाई करता था। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कहाँ से लेना है, बस मुझे ये पता था स्विंग लो पे लेना है और एटलीस्ट उस हाई तक तो जाएगा ही जहाँ से वापस आया है। ठीक है। तो ये जो आप, हाँ ये अच्छा है, ये जो आप काम करते थे ये इन्वेस्टमेंट के पर्पस से करते थे? नहीं सर, इसमें मैं इंट्राडे के लिए रखता था और इन्वेस्टमेंट में भी ये काम करता है सर। हाँ 100% सर, इन्वेस्टमेंट में ही काम करता है ये, लेकिन हाँ। इसी अब जो सर रिसेंट स्विंग मुझे मिलेगा अभी जैसे 75 मिनट्स में सर सन फार्मा में रिसेंट स्विंग मिल रहा है, तो सन फार्मा मेरे लिए कल के लिए या परसों के लिए जिस भी ट्रेडिंग सेशन से वो निकलेगा वो इंट्राडे के लिए हो जाएगा। ओके। बाकी सर अब आपसे सीख रहा हूँ। हाँ, इसके ऊपर आप अभी भी काम कर रहे हो? अभी भी कर रहा हूँ सर, और क्योंकि सर आपने तो हमें मना किया है कुछ भी करने से, और हमारे पास अभी पूरे आपके कुछ क्लासेस तो है नहीं, तो मैं जिस आपका जो जो भी क्लास है उसको इसमें लेने के बाद में फिर लाइव में जो आप बताते हैं उसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, पर अभी भी मैं सेम सिस्टम पे ही काम कर रहा हूँ। सही है, परफेक्ट है, इसको छोड़िएगा नहीं, और जो चीज हम बताएंगे उसको हावी मत होने देना इसके ऊपर। ठीक है, अपने सिस्टम को जितना हो सके बेहतर बनाओ, बस उसमें हमारी जितनी हेल्प लगेगी आप हमसे लेना, ये आपकी मेहनत है। ठीक है, इसको जाने मत देना किसी की भी, किसी की कहीं पर भी कुछ चमक देख करके मेरा या किसी का भी कुछ भी वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ होता नहीं। आपका जो अपना है ना यही सबसे अच्छा, यही बेहतर है, और ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो आपने 75 मिनट का हमको बताया है। अभी 75 मिनट का क्या लॉजिक है ये हमें, मतलब हम, मैं सर इसको इसलिए देखता था सर, मैं 75 मिनट्स की कैंडल को जब देखता हूँ ना सर, तो आपने सर जब बहुत पहले मुझे एक जोन मार्क करने के लिए सर सेकंड क्लास थी जिसमें आपने मुझे बताया था कि हमें पढ़ाया था कि आपको एक प्राइस तक पहुंचना है फिर वहां पे एक जोन मार्क करना है। ठीक है, वो सर मैं 75 मिनट से ही मार्क करता था, और उसके चार्ट को जब 30 मिनट में मैं स्प्लिट करता हूँ ना सर, तो वो उसी के आसपास में ही मुझे एक रेंज देता है। अच्छा है, ये टॉप डाउन एनालिसिस सिस्टम है जो आप अनकॉन्शियसली लेकर जाते हो उसको। हाँ सर, मुझे सर आपकी क्लासेस का तो नहीं पता है पहले से, मैं सर एक्चुअली में। हाँ हाँ, ये टॉप डाउन एनालिसिस है, बहुत अच्छा काम करती है, हायर टाइम फ्रेम्स उतर के फिर लो 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 और फिर सीधे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हो। राइट सर, राइट सर, है ना, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसीलिए सर मैंने देखा आपने कभी मतलब मुझे ऐसा बोला नहीं कि आपकी मार्किंग गलत नहीं करती। हाँ, मार्किंग सही है आपकी, बहुत बढ़िया, अच्छा है, काम कीजिए इसके ऊपर, लगातार काम कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। एक चीज याद रखिएगा, इस सिस्टम को छोड़िएगा मत, जितना हो सके इसको मजबूत बनाइएगा, और एक चीज और, मजबूत बनाने के चक्कर में ये जितना अच्छा है उसको और खराब मत कर लेना। नहीं नहीं सर, इसमें मैं कुछ भी इम्प्रूव कुछ भी अलग नहीं करता हूँ, बस इसमें सिर्फ एंट्री के जो मेथड्स हैं सर, कभी कभी क्या होता है जो एंट्री लेते समय 5 मिनट्स में ना कुछ मुझे मतलब कंफ्यूजन टाइप हो जाती है, तो मैं फिर उसमें आपका थोड़ा सहारा लेता हूँ, जैसे कभी क्या क्या होता है सर 5 मिनट्स में वहां पे कैंडल आती है और मेरे पैटर्न को तो नहीं देखती है, नहीं देती है, लेकिन वहीं पे झूलती रहती है, तो मैं देखता हूँ अच्छा इसमें वॉल्यूम्स तो ड्राई हो गए, मतलब अब एक इसमें मूवमेंट्स आने वाला है और बस वहीं पे जिस साइड मूवमेंट उधर ही एंट्री। सही है, ऐसे सर थोड़े बहुत लॉजिक लगा लेता हूँ बस। सही, परफेक्ट है, सही है, लेकिन जो भी सर लॉजिक्स मेरे इसको इम्प्रूव करने में लगे हैं हाँ। वो सिर्फ ओनली फॉर एंट्री कंफर्मेशंस के लिए हैं सर, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस में इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करता हूँ, जो है वो है। सही है, हाँ सही है, सही है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है भी नहीं, मतलब वो है, वो अच्छा है सर। और बेहतर हो सकता है, फिल्टर आउट हो सकता है कि एक स्टॉक में हो सकता है कि सपोर्ट्स आप बहुत अच्छे दिख रहे हो और दूसरे स्टॉक में ना हो और जबरदस्ती आपको कभी कभी मार्क करना पड़ता होगा। हाँ राइट सर, बस सर वही सर। हाँ तो उसको फिल्टर आउट कर सकते हो, बाकी और बेहतर मतलब हमें मेरे हिसाब से ठीक है, अच्छा है। ठीक है सर। हाँ बढ़िया, थैंक यू सर। ओके वेलकम। सचिन जी माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हेलो सचिन सर, बोलिए। हाँ, आई एम ऑडिबल? यस यस यू आर। हाँ तो सर मैं एक्चुअली
मार्केट में तो काफी टाइम से हूँ, मैं कुछ स्ट्रैटेजी जो मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या फिर बहुत अच्छा है, ये मेरा कुछ व्यू नहीं है। तो बेसिकली मैं दो स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी मैं उसको कंटिन्यू रखा हूँ, मैं उसको स्किप नहीं किया हूँ। एक है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं कैलेंडर स्प्रेड कैलेंडर अपना जो आयन कोंडर है वो करता हूँ बाय वीकली, मतलब मंथ में मैक्सिमम दो ही ट्रेड मेरे पास आते हैं, दो ही ट्रेड हो सकते हैं पूरे मंथ में, जिसमें जो करंट वीक चालू है उसके नेक्स्ट वीक का 30-30 रुपीज का कॉल पुट सेल करता हूँ, और उसके अगले वीक का 20-30 के बीच में, एग्जैक्ट सेम नहीं बट 30 से थोड़ा सा 2 से 3 पॉइंट नीचे वाला बाय करता हूँ। तो क्या हो जाता है, करंट एक्सपायरी जल्दी डीके हो जाता है, और जब एक्सपायरी रहती है तो नेक्स्ट जो ऑप्शन मैंने बाय किए है उसमें कुछ प्रीमियम बच जाता है। तो इस हिसाब से मेरा मंथली टारगेट रहता है कि मैं, मतलब अभी मेरा 3 से 4 लाख उधर कैपिटल डिप्लॉय है, तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं 2% उससे निकालूं, वही टारगेट पे मैं काम करता हूँ। मतलब काफी सिक्योर माइंडसेट से, मतलब किसी को लगेगा कि यार 2% मंथ में क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो भी मैं अराउंड 8 मंथ से उसी पे काम कर रहा हूँ, और 8 मंथ में काफी अच्छा है। अरे बट वाह, पर्सनली मेरा माइंड सेट इतना डिफेंसिव नहीं है, मैं थोड़ा एज अ कैरेक्टरिस्टिक अगर मेरा मैं देखूँ तो मैं थोड़ा अग्रेसिव टाइप का पर्सन हूँ, समझ मतलब रहे हैं थोड़ा, तो समझ रहे हैं। हाँ वो मेरे लिए वर्क कर रहा है और मैं उसको कंटिन्यू भी करूंगा, एक पर्टिकुलर 30-40% कैपिटल उसमें हमेशा डिप्लॉय रखूंगा। तो वो एक स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए अभी काफी अच्छा वर्क कर रहा है। ओके और सेकंड एक है ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम। ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम मतलब अगर कोई 3-4 कैंडल काफी अनयूजुअल मूव कर रही है वन डायरेक्शन में, ओके तो उसके अपर की जो कैंडल रहती है जहां से वो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, जहां तो से वो उसको नीचे मार्क गिरा कर, था। राइट नीचे हाँ गिरा हो या फिर अप गया हो, तो मैं ओके उस कैंडल का जोन मार्क कर लेता हूँ, हाँ और जब नेक्स्ट टाइम वो मिटिगेट नहीं होना चाहिए, मिटिगेट मतलब सडनली उसको टच करके मार्केट ने उसको ठीक टच कर है। दिया हाँ फिर हाँ ऊपर चल, ठीक हाँ मिटिगेट अनमिटिगेट ठीक ठीक रहना ठीक समझ चाहिए। गया। हाँ फिर जब वो वहां पे आएगा उस टाइम पे मैं बाय करता, तो वो एक सिस्टम मैंने डेवलप किया था। बट उसमें दिक्कत ये हो रही थी मुझे कि मुझे, मैं ऑफिस पर्सन हूँ, ऑफिस गोइंग पर्सन हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, तो उसमें काफी कम ट्रेड मिलते थे, और मैं पहले ही बोला कि मेरा एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा डिफेंस मतलब अग्रेसिव है, मतलब तो उसकी वजह से मैं उसको प्रैक्टिस किया, मैं प्रॉफिटेबल भी हुआ, बट तो वो लैक ऑफ ट्रेड मिलने की वजह से मैं उसको थोड़ा सा छोड़ दिया। बट अभी जैसे जैसे मेरा माइंड सेट डेवलप हो रहा है, सो आई फील मैं उसको फिर से चालू किया हूँ, मतलब थोड़े कैपिटल से उसको फिर से स्टार्ट चालू किया हूँ, तो वो अभी भी काफी अच्छा मुझे रिजल्ट दे रहा है, मतलब ठीक ठाक दे रहा है, मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक ठाक दे रहा है, मतलब एक पर्सन उसमें सर्वाइव कर सकता है ट्रेडिंग में, एक अपना कैपिटल को बचा सकता है। ये दो स्ट्रैटेजी में मैं कम से कम 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये दो वेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है जिन्होंने मेरा कैपिटल को डेंट नहीं दिया, गुड, मतलब अगर मैंने 4 लाख डाला है तो वो 4 लाख तो है, भले उस पे अभी जो ऑप्शन का है उसमें अराउंड 50% चल रहा हूँ मैं 8 महीने में, मतलब अच्छा 15% आ15% रहा है ये प्रॉफिट में चल रहे हैं निकला आप। है। हाँ प्रॉफिट में चल रहा हूँ 15%। अभी ये 15% शायद यूजुअली किसी को, मतलब ग्रुप में अभी जो भी लोग है वो बोलेंगे यार क्या बहुत 15%, कम मतलब इतना तो है। कम है ये, नहीं बट मेरे माइंडसेट से ऐसा लग रहा है कि बैंक इतना दे रही है या फिर FD में कितना मिल रहा है, या फिर मैं अगर वो कैश को बैंक में रखता हूँ FD करता हूँ तो उससे तो बेटर ही है, एक वो होता है तो कि उस यार कम भी हो रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन, उसने मेरे माइंडसेट को काफी स्टेबल किया वो दो स्ट्रैटेजी ने, जहां पे मैं मेरा बहुत अग्रेसिव मतलब बाय सेल ऊपर जा रहा है बाय कर रहा हूँ, नीचे जा रहा है सेल कर रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू दिन भर करते रहता था, 10-15-20-25 ट्रेड भी हो जाते थे, तो उसको मतलब जो बंदा दिन में 25 ट्रेड करता था अभी वो मंथ में 2 ही ट्रेड कर रहा है, ओके, लेकिन और प्रॉफिटेबल है। दो ही, हाँ 2 ही ट्रेड में मैक्सिमम 6,000 का ही रिस्क, 6,000 से ज्यादा नहीं, अगर 3,000 एक ट्रेड में लॉक होता है तो वो ट्रेड कहीं पे भी हो, कैसे भी कंडीशन में हो, कितना भी बिलीव हो उस पे, वो लॉक कट वहां पे कट हो जाएगा, सही है। मतलब
तो ये दो स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ। और पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपका कोर्स क्यों ज्वाइन किया, मतलब मैं मुझे ये बताने का कभी मौका नहीं मिला, मतलब किसी को शायद गलत भी लगे, नॉट अ टेक्निकल परस्पेक्टिव से। आप मेरे क्वेश्चन भी आपको कभी टेक्निकली ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, मैं माइंडसेट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आप क्या बिलीव, वो जो बिलीव सिस्टम आपका जो स्ट्रांग है ना, कि आप बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने, क्या बोलते हैं ना, वो सिस्टम या अपने प्रोसेस पे बहुत, हाँ प्रोसेस पे बहुत ट्रस्ट करते कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे, तो मुझे वो बिल्डअप करना है अपने में। आई नो मेरा अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है वो प्रोसेस पे ट्रस्ट, वर्क भी होता है तो भी मैं कहीं पे सोचता हूँ यार ये ऐसा, मतलब ऐसा क्यों हुआ या इसमें गड़बड़ है, और उस चक्कर में क्या कर देता हूँ, अच्छी स्ट्रैटेजी को मैं ट्विक करते बैठता हूँ कि यार नहीं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ओवर ट्विकिंग के वजह से क्या हो जाता है कि वो अच्छी स्ट्रैटेजी खराब हो जाती है। मतलब वर्क तो अच्छी कर रही है अभी, बट एक ट्रेड गलत होने के बाद आप सोचते हो कि यार ये देखना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये इंडिकेटर लगाना चाहिए था, इससे बेटर हो सकता था, ओवर एनालिसिस, और हाँ ओवर ट्विक की वजह से वो अच्छी स्ट्रैटेजी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट आपके ट्रेड देख के मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप कभी भी ओवर एग्जैगरेट करते हो या फिर ओवर एनालिसिस करते हो, आप सेट ऑफ रूल है उसके ऊपर काम करते। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप दिन में एक ट्रेड लेते हो, वो भी मॉर्निंग के कुछ सर्टन एक दो घंटे का टाइम है, भले आप दिन भर देखते हो बट एक दो घंटे में वो ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जाता है आपका, बाकी आप आफ्टर मार्केट एनालिसिस करते होंगे। वो जो प्रोसेस है ना वो मुझे अपने में लाना है कि मुझे दिन में एक दो ही ट्रेड करने है, एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, उसके बाद मैंने सिस्टम बंद भी कर दिया, मेरा बाकी का काम कर दिया तो भी कोई दिक्कत। तो ये जो माइंडसेट है ना वो मुझे आपसे अच्छी तरीके से सीखना है। और लोगों को शायद लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा सेल्फ लर्नर हूँ, मतलब कभी कभी मेरे को भी लगता था, बट हर फील्ड में एक गुरु होना बहुत जरूरी है, भले आप कितने भी अच्छे हो बट वो गुरु आपको, जब आप डिसबैलेंस करोगे इमोशन में या फिर कहीं पे आपकी गड़बड़ हो जाएगी तो वो आपको संभाल लेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर, वैसा नहीं वैसा कर, ठीक हो जाएगा। तो वो गाइडेंस चाहिए, भले आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, एक तो मतलब आप जिस प्रोफेशन में परफेक्ट होना चाहते हो उसमें आपका, आपके पास गुरु रहना बहुत जरूरी है। और अब तक मुझे ठीक ठाक मिला नहीं, मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैंने कोर्सेज भी किए, मैंने काफी चीजें की, मुझे वो गुरु मिला नहीं, या फिर मतलब मैं जैसे समझ चाह रहा था तो वो नहीं मिला मुझे, उनसे वो सैटिस्फेक्शन है, मुश्किल है वो। और ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल है आज के समय में, तो लोग इतना मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब मैं लिटरली आपको बता नहीं सकता था मैं, मतलब आप समझ सकते हो कि आजकल की कंडीशन, मतलब एक लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, बंदों को ले लिया, ट्रेडिंग में कुछ नहीं सिखाया कोर्स में, बाद में आफ्टर कोर्स ना सपोर्ट है ना कुछ, बस यही चलता। तो ये दो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ सर, और वर्क कर रहा है मेरे लिए पर्सनली। सही, सबसे जो प्लस पॉइंट आपका है, थोड़े में सुकून है आपको, बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर रहे हो। बट ये बहुत बहुत टाइम के बाद मैंने सीखा है, मतलब 6 साल लगे एक चीज को सीखने में, बट अगर मेरे पास सही टाइम पे गुरु होता तो शायद वो मुझे ये चीज को 1 साल में एनालाइज करवा देता कि नहीं ये नहीं करना है। मैं बोला ना गुरु बहुत जरूरी है, अगर आप सेल्फ लर्नर भी हो कितने भी अच्छे हो तो भी गुरु जरूरी है, क्योंकि वो 1 साल उसके लाइफ का एक्सपीरियंस आपको 2 घंटे में शेयर करता है कि हाँ नहीं ऐसे ही करना है, और आप बिलीव भी कर सकते हो उसको। मतलब अभी आपने 8-10 साल से ट्रेड कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस आप हमें शेयर करते हो, तो इनडायरेक्टली वो 8 साल का एक्सपीरियंस सब में आ रहा है विदाउट एफर्ट। ये कोर्स का फीस के पीछे कुछ भी नहीं है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मतलब जो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है पर्सनली वो मेरे लिए वो टेक्निकल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो या फिर वो माइंडसेट मेरे को जो मिलेगा वो, ये टेक्निकल तो सीख लेंगे कैंडल वो तो चीजें बिल्डअप हो सकती है, बट वो माइंडसेट और वो गाइडेंस और वो, मैं गुरु की बात कर रहा हूँ ना, वो मुझे चाहिए था कि हाँ एक सही पर्सन से अंडर में
चीजें हो तो बेटर है, जब भी मैं मेरा माइंडसेट बिगड़े या फिर मैं कुछ गलत करूं तो कोई तो मुझे बोलने वाला हो कि नहीं यार सचिन तू ये गलत कर रहा है, इस तरीके से करेगा तो तेरा आगे कुछ नहीं हो सकता, या फिर स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में मतलब नहीं हो सकता तेरा कुछ, तो वहां पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। हाँ ठीक है यार, ये पर्सन बोल रहा है, इसके पास एक्सपीरियंस है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, तो वो सब चीजें है मेरे पर्सनल मेरा व्यू होगा। सचिन जी मतलब जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो फाइंड करो वो मिलेगी। डेफिनेटली आई फील कि मुझे अभी ज्यादा इसके बाद ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मैं काफी स्टिक मतलब मैंने अलगो में घुसा, मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, मैंने कोडिंग सीखी, फिर मैं बहुत वो लर्नर अच्छा हूँ मैं, मतलब चीजें अच्छी सीख लेता हूँ, मतलब 12 पास हूँ मैं अभी, अच्छे कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ, पर उस कंडीशन में 8 में होके भी मैंने 3 महीने में कोडिंग सीख ली, पाइथन सीख लिया, मतलब मैं पर्सनली मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा लर्नर हूँ, बट वो इमोशन में अग्रेसिवनेस और जो बोलते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा है, मुझे वो उसको स्टेबल करना है, मतलब सेटल करना है कि हाँ इतना। अभी भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना तो कभी आपके जो आप जो एनालिसिस बोलते हैं तो तभी तभी मेरे इमोशन आते हैं बीच में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी लेते तो अच्छा होता, या फिर अभी तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बट अगर इसमें और ज्यादा क्वांटिटी लेते तो इतना प्रॉफिट होता, इतना हो जाता, उतना, वो जो माइंडसेट है ना वो आपका बहुत स्टेबल है, बहुत न्यू मतलब बहुत ट्रेडर को मैंने देखा बट आप की तरह सोचने वाला बंदा मैं काफी रेयरली देखा हूँ, मतलब स्टिक माइंड पे, मतलब हाँ ये 3,000 मैं दूंगा रोज का। सही है, मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ज्वाइन किया था। और रही बात स्ट्रैटेजी की तो ये 2 स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहा हूँ, शायद ऑर्डर ब्लॉक सिस्टम काफी अच्छा है, उसके ऊपर मैं और रिसर्च कर रहा हूँ कि कब कौन से ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं, क्या उसमें पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या क्यों फेल होते हैं, उसके ऊपर रिसर्च चालू है, वो काफी 10,000 के कैपिटल से उसके ऊपर रन कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं है वो 10-20 क्वांटिटी लेके उसको रन कर रहा हूँ, और ऑप्शन वाला तो वो चालू है। प्रैक्टिस सचिन अपनी कंटिन्यू करिए आप, और जिस चीज को खोज रहे हो आप उसमें टाइम लगेगा। नहीं बट डेफिनेटली हाँ उसमें टाइम लगेगा, और बहुत आराम से चलना है, बहुत जल्दबाजी भी नहीं, कि जितनी ज्यादा चीजें आप सीखते हो फिर उतनी ज्यादा एक तरह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। हाँ फुलिशनेस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फुलिशनेस इन द सेंस। गुड लर्नर भी एक्चुअली इस मार्केट में मुझे ऐसा फील हुआ कि गुड लर्नर एक्चुअली बुरी चीज है, मतलब बहुत ज्यादा जो जल्दी सीखता है या फिर बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है चीजों को, वो एक्चुअली उस चीज को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाता, वो एक्चुअली मार्केट में बुरी है। ये मतलब यही हम बोलना चाह रहे आपसे, बहुत आपका माइंडसेट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आपने पाइथन भी सीख लिया, आपने कोडिंग भी सीख ली, आपने सब कुछ सीख लिया, आपको एल्गो बनाना आता है, सब कुछ आता है, आपको RSI का सारा फॉर्मूला मालूम है, आपको बोलिंजर बैंड मालूम है, आपको मूविंग एवरेज की सारी नॉलेज है, आपको गामा थीटे और थीटा और जो भी है वो सब कुछ आपको मालूम है। इससे होता क्या है ना, फिर आप इन सारी चीजों को एक जगह ला करके एक साथ यूज करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपको इतनी सारी नॉलेज है, क्योंकि आपने इतनी सारी नॉलेज ली है तो उसको यूं ही रखने के लिए नहीं ली है, कहीं ना कहीं उसको यूज करने के लिए, तो आप उसको यूज करोगे क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें मालूम हो। लेकिन मार्केट की जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल आदमी, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपको बहुत कुछ है, तो आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट वो नहीं दे देगी, वो डिस्ट्रैक्ट करती है एक्चुअली। हाँ वो डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपका माइंडसेट जितना साफ होगा वो दिखता है आपके चार्ट के ऊपर। अगर आपके माइंड में 20 तरह की चीजें हैं तो वो 20 तरह की चीजें आपको आपके चार्ट के ऊपर दिखेंगी, तो कभी भी ट्रेड के टाइम में आपको लगे कि मेरा चार्ट बहुत यार इतने ज्यादा इंडिकेटर्स भी हो गए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी उतनी सारी हो गई, मतलब घिचपिच हो गया है, तो ये मान के चलना कि भी दिमाग में घिचपिच है, फिर वो साफ करना जरूरी है। नई नई चीजें सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन उसकी एक हद पहचान लेना बड़ा जरूरी होता है कि कहां पर जाकर के हमें रुकना है और कहां पर कंट्रोल करना है खुद को।
मेरी मेरी सबसे मेजर मिस्टेक ये हुई 6 साल में, मैं किसी चीज को बहुत जल्दी बिलीव कर लेता था और अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ उसके ऊपर काम करता था। मतलब अगर किसी ने मुझे बता दिया कि ये स्ट्रेटेजी वर्क करती तो मैं बिलीव कर लेता था, हाँ वर्क करती है, और मैं फुल स्ट्रेंथ से काम करता था। तो वो चक्कर में मैंने इनिशियली काफी कैपिटल लूज किया, मतलब डेफिनेटली लूज होना ही था वो। मतलब चीजें अगर तुम उस जोन में नहीं हो या फिर आपका ओरा उस जोन में नहीं है, आपका सर्कल उस जोन में नहीं है, तो आपके पास कितनी भी अच्छी चीज आ जाए वो आप उसका यूज ही नहीं कर सकते। तो मैं इतना अग्रेसिव नेचर या फिर जल्दी ट्रस्ट या फुल कैपिटल से काम करना तो एक्सपेरिमेंट है। अभी मैं कोई भी स्ट्रेटेजी को फुल कैपिटल से कभी रन नहीं करता, मतलब उसको काफी मिनिमम कैपिटल से पहले टेस्ट आउट करता हूँ, 20-25-50-60 ट्रेड करता हूँ, फिर उसके बाद लगता है कि हाँ ये वर्क कर रहा है तो फिर उसके ऊपर जाता हूँ। तो उसकी वजह से मेरे लर्निंग तो सेम रहा है, मतलब लर्निंग में कर रहा हूँ बट कैपिटल को डेंट नहीं आ रहा है अभी, जो 3-4 साल पहले काफी आ रहा था। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए और बेहतर हो जाएगा, आप सही चीज खोज रहे हो। लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन मत लीजिएगा सर पर। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप कितना जानते हो, क्या कैपेबिलिटी है आपकी, ये ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, ये पता है कौन बताएगा? ये मार्केट नहीं, नहीं आप भी नहीं बता सकते, ये मार्केट ही बताएगी आप कितने कैपेबल हो। और ये पता करने का एक तरीका होता है जिसमें हम लोग मनी मैनेजमेंट का एज अ चीटिंग वे में रूल करते हैं। Yes. होता यह है कि आपकी कैपिटल है 10,000 रुपए और ये मैनेजमेंट हम तब करते हैं जब एक सिस्टम के ऊपर काफी दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अब उसको अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर एक सिस्टम है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ते हैं, 10,000 मेरी कैपिटल है तो 10,000 के जब 10 हिस्से किए जाते हैं तो 1,000 निकल के आता है। और जब 1,000 के 10 पार्ट आप करोगे तो 100 रुपीज निकल के आएगा। अगर 10,000 की कैपिटल है तो आप पर ट्रेड रिस्क जो लोगे वो 100 रुपए का होगा। और 100 रुपए की ये जिम्मेदारी, हाँ 100 रुपए की ये जिम्मेदारी होती है कि वो 10,000 की कैपिटल को डबल करे। मतलब जब तक 10,000 का कैपिटल डबल नहीं हो जाता, डबल नहीं हो जाता तब तक, रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तब तक आप उस स्ट्रेटजी को लॉन्ग मतलब बड़े कैपिटल से रन अप नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात ही नहीं है। एक स्ट्रेटजी को हमने बोला ना कि मनी मैनेजमेंट में ये वाला जो मैनेजमेंट हम अभी बता रहे हैं, ये करने से पहले आप ऑलरेडी एक सिस्टम को प्रैक्टिस कर चुके हो। अप्लाई करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे, एंट्री एग्जिट हायर लोअर टाइम फ्रेम की रीडिंग सब कुछ कर लोगे। 10,000 के 10 हिस्से करने पर 1,000, 1,000 के 10 हिस्से करने पर 100 रुपए के रिस्क की ये जिम्मेदारी होगी कि आपके 10,000 की कैपिटल को वो डबल करे। और ऐसा एक बार नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए 4 बार। अब आपने क्या किया है, 10,000 से डबल किया है अपने अमाउंट को 4 बार 100 रुपए के रिस्क से ही। अब आप क्या करोगे, अब आपकी कैपिटल 10,000 से बढ़कर के 20,000 होगी। और जितने बार आपने अपने पैसा डबल अभी तक किया है, बेशक इसमें टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन लॉटरी से तो हुए एक दो बार, बट वो मैं उसको कंसीडर ही नहीं किया मेरे ट्रेडिंग लाइफ में, क्योंकि वो तो लक बाय चांस हो गया। मतलब हाँ, ये लक बाय चांस नहीं होगा जो हम अभी बता रहे हैं, ये फुल प्रोसेस में, अगर इसको आप क्रॉस कर लेगा तो फिर जीवन भर का आराम होता है ये। या। है ना, 10,000 की कैपिटल को आपको डबल करना है, 4 बार डबल करोगे आप, लेकिन रिस्क 100 रुपए का ही रहेगा। इतना काम आपको करना होगा, और जब 4 बार आप कर लोगे तब आप 10,000 की कैपिटल को 20,000 में कन्वर्ट करते हो। और अब 20,000 से आपको 40,000 करना होता है, और ये प्रोसेस भी आप 200 रुपए के रिस्क के साथ करते हो, 4 बार अपनी कैपिटल को डबल करते हो। अगर आप ये चीज करने में सक्षम हो गए तो ये मान के चलो कि अब आप कैपेबल हो मार्केट से थोड़ी बहुत अर्निंग करने के लिए। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई भी आकर के बोल रहा है कि सचिन बहुत अच्छे ट्रेडर, आपको बिलीव मत करना उसके ऊपर, और ना ही खुद से आप खुद भी बिलीव नहीं कर सकते कि नहीं हम पिछले कई सेशंस कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। तो अब खुद में भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाने के, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब हम ऑप्शन में जाकर के भी काम कर सकते हैं और हम क्रूड में भी कर सकते हैं, हम क्रिप्टो भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे।
ये प्रोसेस अभी हमने बताया, ये ही आप अप्लाई करोगे, और अगर दो बार में 8 बार अगर आप अपनी कैपिटल को डबल कर लेते हो तो अब आप कैपेबल हो, अब आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो मैनेजमेंट एक एजुकेटेड ट्रेडर की प्रोसेस से, ठीक है, ये एक सही रास्ता होता है। तो भी आप चाहे जितना भी एल्गो सीखो, चाहे जितना भी पैथन सीखो, चाहे जितना भी कोडिंग सीखो, चाहे जितनी भी एनालिसिस करो, ओवर एनालिसिस करो, अगर इस प्रोसेस से आप गुजरोगे तभी आपको अपनी स्टेबिलिटी समझ में आएगी, वरना हवा में ही रहोगे, सीखते रहोगे और टाइम धीरे धीरे बीतता जाएगा। Yes, definitely. ठीक है ना, तो ये चीज वो होता ही है, मतलब टाइम जाता ही है, आप नई चीज सीखते हो उसमें 100% देते हो, एक सर्टन टाइम देते हो, फिर बाद में एक सर्टन टाइम पे समझ में आता है कि यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है, या फिर ये मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं इसमें और इनफ नहीं हूँ, मतलब फिर वो सही गाइडेंस सही टीचर की ना होने की वजह से फिर या तो वो छूट जाती है, या तो फिर आप उसमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ गड़बड़ कर देते हो, फिर वही फिर बैक फिर पीछे आ जाते हो, फिर एक स्टेप पीछे, फिर एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप पीछे, उसी चक्कर में वो घूमते रहता है। तो नहीं, बेसिकली मुझे बस एक चीज, अभी पूरे 6 साल के ट्रेडिंग करियर में मैंने कुछ सीखा, मुझे नहीं लग रहा है कुछ सीखा, मतलब नॉर्मली मैं बहुत एक चीज मैंने सीखी, अगर तुम कैपिटल बचा लोगे मार्केट में किसी भी वे में कोई भी टेक्निक से, अगर कैपिटल बचा लोगे उसको डेंट नहीं आने दोगे कम से कम 3 महीने तक, तो आप कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत उससे निकाल सकते हो जाएगा। 3 महीने आपने कम बोले लेकिन कैपिटल को सेव करना बड़ी बात होती है। Yes. ओके, थैंक यू सो मच सर, आई होप मेरी जो मैं जो खोज रहा हूँ वो खोज खत्म हो जाएगी यहाँ पे। खोज नहीं खत्म होने वाली कभी, खोज कभी नहीं खत्म होने वाली, नॉलेज की खोज तो कभी खत्म नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी, हमारी नहीं खत्म हो पाई, हमारी कैन बहुत छोटे, मतलब बड़े बड़ों की नहीं खत्म हो पाई, रहना पड़ेगा मार्केट बस। लेकिन अभी जो चीज हमने बताई, अपने कैपिटल को अगर आप डबल कर पा रहे हो 100 रुपए अगर इसके साथ 4 बार और उसके जो भी सिस्टम अभी आपने बताया है, अगर इतना आपने कर लिया तो आप ये मान के चलो आप कर ले जाओगे। लेकिन कितनी कैपेबिलिटी है आपकी, आप कितने सक्षम हो, ये पता है इसी रिजल्ट से चलेगा, इसी टेस्ट से चलेगा, अदरवाइज और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। थैंक यू सर। ओके सचिन जी, वेलकम। चित्रांश जी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में ऐसे 3 साल का हो गया है ऑलमोस्ट। ओके okay. और स्टार्टिंग में अराउंड 1 ईयर तो मेरे पास कैपिटल था ही नहीं ट्रेड कर। 1 ईयर में मैंने कैपिटल अरेंज कर रहा था उस 1 ईयर में, और उस 1 ईयर के कुछ टाइम में मतलब काफी सारी चीज सीख भी रहा था मार्केट से। मतलब परेशानियां उस टाइम ये होती थी, इमोशन हम मार नहीं सकते, उसको दूसरी तरफ चैनलाइज तो कर सकते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में ऐसा ये होता था ना कि ट्रेड मतलब पैसे तो है नहीं, आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं, आप पेपर ट्रेड कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं दिख रहा है, लेकिन एक चीज पीछे खाई जाती थी कि अरे वाह अगर पैसा होता तो हम भी कितना अच्छा प्रॉफिट बना रहे होते। उसके बाद 1 साल के बाद मैंने अराउंड 2 लाख का कैपिटल जनरेट कर लिया था, मतलब दूसरी एक्टिविटीज अपनी जॉब वगैरह बाकी चीजों से। अच्छा। और लेकिन इन 1 साल चीजों में एक चीज मैंने ये सीखी थी, जैसा कि अभी सचिन जी ने भी वो चीज बताई है कि अगर आपने इस मार्केट में 1 साल 2 साल 3 साल अगर अपना कैपिटल प्रिजर्व कर लिया तो फिर आप मार्केट में निकल जाओगे आगे, क्योंकि ये मार्केट आपसे पैसे से ज्यादा टाइम मांगती है। मार्केट आपके टाइम की रिस्पेक्ट करती है, पैसे की भी करती है, लेकिन पहले वो टाइम की रिस्पेक्ट करती है, जितना मैंने सीखा है। तो मैंने सर अब जब से मैंने डेली का मेरा ये रूल है वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ और आगे 10 साल भी फॉलो करता रहूंगा जब तक मैं मार्केट में हूँ। मुझे अगर मैं स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ तो अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं। सही है। अच्छा है। और 1% ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे पर ट्रेड देना है, मेरा दिन का रिस्क है। अगर मुझे लगता है कि मुझे 2 ट्रेड किसी 2 स्टॉक में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आज, तो 1 ट्रेड में मेरी वो जो रिस्क है वो 0.5% इस ट्रेड में हो जाएगा और 0.5% कैपिटल का उस ट्रेड में हो जाएगा, तभी मैं दोनों में ट्रेड एक्सपोर्ट करूंगा, वरना नहीं।
1% ज्यादा रिस्क लेनी नहीं है, और अगर ऑप्शंस में कर रहा हूँ तो उसको 2% लेता हूँ, इसलिए क्योंकि सर ऑप्शंस की वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, अगर हम 1% करके लेते हैं तो स्टॉप लॉस काफी हिट होते हैं, उसको 2% करने की कोशिश की है। बट अभी तो मैंने ऑप्शंस बंद ही कर दिया, जैसे मैंने आपको ज्वाइन किया था तब मैंने आपसे बोला था कि ये आपको ज्वाइन मैंने ऑप्शंस के प्रॉफिट से ही किया है। अच्छा, तो क्योंकि सर मतलब मेरा ये था कि अगर मुझे कुछ नया सीखना है तो पहले मार्केट अदरवाइज बंद कीजिएगा, ये ऐसा बाकी सबका चीज वो तभी हो पाती है जब हमने अपने कंट्रोल कंट्रोल अब सेटअप पे बात कर लेता हूँ मैं जो मैं पिछले 2 साल से सेटअप यूज कर रहा हूँ। ओके चित्रांश, यहाँ पर हाँ यहाँ पर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ अभी क्लियर है जी सर। तो मैं सर मेरी एक मतलब लकी भी मान सकता हूँ अपने आप को कि मेरे को अराउंड 1.5 ईयर के बाद मुझे ना एक अच्छे गुरु मिल गए थे, जैसा सचिन जी ने बताया कि गुरु मिलना बहुत जरूरी है, एक अच्छे गुरु मुझे मिल गए थे तो उन्हीं के मतलब हेल्प से, मतलब वो ज्यादा कॉल्स वगैरह तो नहीं प्रोवाइड करते थे बट साइकोलॉजी काफी अच्छे लेवल पे उन्होंने मेरी डेवलप की है, ठीक है, तो वो काफी अच्छी हो गई है। तो सर जो सेटअप पे मैं काम करता हूँ, जो मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, वो मेरा सेटअप ऐसा रहता है कि अगर हम जैसे स्टॉक में ट्रेड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि मेरा रहता 30 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से देखना जानता हूँ और उस पर काफी काम किया, तो 30 मिनट बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो मेरा ये रहता है कि किसी भी स्टॉक पे जैसे कल हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा ना कि प्रीवियस डे लो मार्क करेंगे, प्रीवियस डे हाई मार्क करेंगे, और उन दोनों के बीच ना एक की लेवल भी आएगा जिस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम डे लिया होगा। जैसे आपने ये जो दोनों लाइनें मार्क कर दी ना, इस लाइन के बीच एक लेवल ऐसा आया होगा जहां पे मार्केट ने जिसको एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस भी पूरे दिन में ट्रीट किया होगा, जो कि हम 5 मिनट पे जाके और अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा हाँ, तो अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जैसे हमने ये हाई और लो डे का मार्क कर लिया ना प्रीवियस डे का, अब इसको हम पीछे चेक करेंगे क्या ये प्रीवियस डे का लो जिसको हम सपोर्ट मान रहे हैं, इसने पहले हमें रेजिस्टेंस की तरह काम किया है क्या? इसने हाँ, इस लाइन ने अगर पीछे रेजिस्टेंस की तरह काम किया होगा तो इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री कंफर्मेशंस के साथ हम नीचे की एक ट्रेड ले शॉर्ट कर देंगे इसको। यही सिंपल सा सर मेरे स्ट्रेटजी है, इसी और सेम मैं अपसाइड ही करता हूँ। अपसाइड में अगर वो रेजिस्टेंस ने प्रीवियस कहीं सपोर्ट पे काम किया है तो ब्रेकआउट पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और उसको ट्रेड करेंगे। यही 2 साल से मैं इसी को यूज करता हूँ सर, और किसी को यूज नहीं करता। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और स्टॉक्स में यही स्ट्रेटजी मेरी हमेशा से यूज होती है। और बाकी आपको जो आप जब आपने मुझे फर्स्ट क्लास दी थी ना जिसमें आपने डेली मार्किंग सिखाई थी, डेली मार्किंग्स को जब मैंने इसमें देखा ना कहीं वो मैच कर रही थी, क्योंकि डे पे भी हम वही कहीं ना कहीं या तो डे का हाई मार्क कर रहे होते हैं या लो मार्क कर रहे होते हैं कैंडल, कहीं ना कहीं ये चीज उससे मैच हो जाती है, तो चीजें थोड़ी सी और मुझे समझ में आ रही। बस सर यही सिंपल सा सेटअप है जिससे मैं काम करता हूँ, और तो मुझे खैर कुछ आता भी नहीं। इंडिकेटर में मैं एक ही यूज करता हूँ, इंडिकेटर क्या टूल है वो फिबोनाची, बस यही 2 चीजें हैं और कुछ नहीं है मेरे पास। और सिंपल कैपिटल का 5% पर मंथ मेरा वो रहता है कि अगर 5% जिस दिन बन गया के बाद से जो मेरा 1% रिस्क होता था ना वो कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, क्योंकि जो 5% मिल गया मैं उसको खोने की कोशिश नहीं करूंगा, ज्यादा पाने के चक्कर में जो कमाया है वो नहीं खोना है। तो प्रॉफिट्स पे थोड़ा कम कम रिस्क लेके जितना मंथ एंड पे, अभी जैसे जून में मैंने ट्रेड किया है आपको भेजता भी रहता हूँ मैं, मैंने 5 ट्रेड किया है, 4 में प्रॉफिट है, 1 में SL है, तो 5% का जो मेरा है वो मेरा कंप्लीट हो गया है कैपिटल का। तो अब मैं अगले 15 दिन ट्रेड नहीं भी करूंगा तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो अगले 15 दिन अब मेरा फोकस यही रहेगा, सिर्फ 3 से 4 क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करूंगा और बस वही ट्रेड करूंगा। okay. सिंपल सा सर यही है मेरा लॉजिक, 2 साल से कोई कंटिन्यू कर रहा हूँ और चीजें चल रही है ठीक है। अच्छा है जी सर, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बहुत प्रोफेशनल वे में आगे की तरफ बढ़ रहे हो। सचिन साहब का भी वही है और आपका भी बहुत सर, मेरा ये रहता है ना कि मतलब मार्केट से अगर अपना दाल रोटी करते चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें वो नहीं करना कि 10 लाख का प्रॉफिट 5 लाख का प्रॉफिट, कोई जरूरत नहीं है। जब कैपेसिटी होगी सर तो वो भी बन जाएगा। हाँ, कैपेसिटी होगी मतलब वो मार्केट से आएगा वो पैसा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो आपने डाला। मुझे ये लगता है जो अगर 2000 भी बना सकता है ना तो वो 20,000 बनाने की भी कैपेसिटी रखता है, बट उसको वो चीज को 2000 पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हाँ, कई दिनों करना क्या है आपको, एग्जैक्टली कई सालों तक। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही है। बाकी मार्केट से पैसा लो, मार्केट से जब पैसा आएगा ना तो उसके ऊपर रिस्क लेने में डर नहीं लगेगा।
खुद से पैसा नहीं सर। अभी थोड़ा सा डर मुझे ये रहता है ना, जैसे मैंने आपको 5% का बताया ना, अब जैसे मेरा 5% जैसे 2 लाख का कैपिटल है, 5% यानी कि 10,000, 10,000 रुपए मेरा मंथ में बन गया। अब जब 10,000 रुपए मान लो जी शुरू के 15 ही दिन में बन गया ना, तो उसके अगले 15 दिन में ट्रेड्स मिलती है ना, तो मुझे थोड़ा सा बैकअप तो माइंड ये रहता है कि यार वो 10,000 बन चुका है, अब ये कम ना हो जाए। थोड़ा सा वो चीज गलत हो रही है मुझे पता है, बट ठीक है, विद टाइम उसको भी सही करने की कोशिश कर, वो हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। बाकी तो सर आपसे भी काफी हेल्प मिल ही रही है चीजों की, बाकी धीरे धीरे मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, और लर्निंग में तो सर कभी चलती मैं करता ही नहीं हूँ सर, आराम आराम से जितने धीरे सीखेंगे उतना लॉन्ग टर्म के लिए सीखेंगे। हाँ ओके चित्रांश, थैंक यू, थैंक यू। मोहित जी माइक म्यूट कीजिए अपना। चित्रांश अच्छा है। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ यस। चित्रांश में और क्या बोलते हैं सचिन में, दोनों में एक चीज आप लोग सभी लोग देख सकते हो इसको, हम तो एज अ पॉजिटिव वे में लेकर के चल रहे हैं कि दोनों लोगों का ही जो भी वो थोड़ा भी मार्केट्स निकालें तो उसमें सुकून है, ज्यादा के पीछे हाव हाव करके भाग नहीं रहे हैं, हमें और चाहिए, हमें 1 लाख चाहिए। अब उसका अगर 5% बन जा रहा है तो ये नहीं है कि अब उसको उसी दिन या अगले दिन उसको 5% और चाहिए, 5% बन गया है तो वो इत्मीनान कर रहा है अपना, है ना। तो कम बन रहा है ना, कम में उसको सुकून है। सुकून का मतलब ये कि सुकून ये नहीं है कि कम में सुकून है तो वो आगे भी इतने में ही चलता रहेगा काम, ग्रोथ तो होनी है, ये तो मांगती है, तो मार्केट भी मांग रही है, आप खुद को भी लगेगा जिसको ग्रोथ तो होगी, जो 5% है वो आने वाले टाइम में 10 होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, यही 5% आपके अगले 5 साल तक, तो फिर आपकी ग्रोथ ग्रोथ कुछ नहीं हो रही और ये माइनस पॉइंट है। लेकिन अभी की सिचुएशन में हम बस ये मान करके चल रहे हैं कि अभी अगर 5% में आप सुकून करें तो इसके पीछे का रीजन यही है, इसके पीछे का जो माइंडसेट हमें लग रहा है ना, स्टेबल माइंड है आपका, स्थिर है, शांत हो, काम हो, बहुत एक कूल वे में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, यही रहा तो देखिए ग्रोथ आपको दिखेगी। 5% ही 6% होगा जैसे सचिन का हुआ, 2% वो 2% 3% भी होगा, बहुत अच्छे वे में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, और ये चीजें तो सभी को ऑब्जर्व करनी चाहिए, सभी को सीखनी चाहिए। चलो मोहित जी बोलिए। हाँ सर, वॉइस क्लियर है? मैं ये हाँ, क्लियर है, क्लियर है। हाँ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी लोगों को बोलना होगा। मैं सबसे पहले आपको वो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे आप मेरे को मिले कैसे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कुछ समय पहले एक किसी का कोर्स ज्वाइन किया था, उनका ट्रेडिंग अच्छा लगा था, मतलब मेरे साथ स्कैम हो गया था, स्कैम मतलब वो गलत नहीं थे, बट लेने के बाद पता चला कि वो एक ऑप्शन सेलिंग का था और उतना मनी मेरे पे था नहीं, तो जबरदस्ती कि वो ऐसे कुछ बना के ट्रेड कर ली थी उसमें। बट उनसे एक चीज सीखी थी, कैलकुलेशन, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी ना उसपे ना मार्केट कम काम करती थी और कैलकुलेशन थी कि इधर से इधर जाए, तो उनको सीखी और फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी खुद से, मतलब किसी का कुछ देखा और उससे। तो मैं आपको पहले वो फटाक से बता देता हूँ, आप बैंक निफ्टी लगाइए जरा, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैं किस तरीके से करता था। निफ्टी बैंक ऑन, हाँ मतलब मैंने इसको टेस्ट भी बहुत किया। मैं क्या करता था, 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो एंड हाई मार्क करता था, और उसपे ना क्या था, मैंने किसी का देखा था कि टूटता है तो वर्क करता है, बट मैंने उनके तरीकों से काम नहीं किया था, लो एंड हाई मार्क किया और एक एवरेज निकाला, और मतलब बहुत सारी क्या ना उस समय था कि देखते हैं, बहुत सारी रिसर्च की और बहुत सारे तरीकों से बैक टेस्ट करके इस चीज को निकाला। जैसे अभी 677 ने इसको ब्रेक किया तो एक एक एवरेज निकालता था कि कितना एसएल आता है, तो 80 रुपीज का एसएल लगा के ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो, जैसे 2 लॉट लेने, एक को मतलब 1/1.5 मतलब पहला टारगेट 120 पे बुक करना है 1 लॉट, तो अगर लॉस भी होगा तो ज्यादा लॉस होगा नहीं, और
दूसरे लॉट को जाने दो, मतलब जाने ही दो जब तक वो वापस 120 पॉइंट्स का टूट ना जाए। अच्छा। तो ये सही काम करती थी, 3-4 महीने का बैक टेस्ट किया, बहुत ही बढ़िया की। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि ये तभी काम करती है जब मार्केट बड़ा ट्रेंडिंग हो, बट ओवरऑल इसमें प्रॉफिटेबल ही रहते थे कहीं ना कहीं। अच्छा, बट इसमें क्या था, तब काम करने का इंटरेस्ट कम था, मतलब चीजें लर्न करना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर मैंने इस पे ज्यादा काम नहीं किया था। और फिर मेरे को ना क्या है, स्टॉक में पहले इंटरेस्ट नहीं होता था, मतलब मेरे पापा भी है ट्रेडिंग में पहले करते थे। अच्छा, मैं उनको बोलता रहता था इक्विटी मतलब क्यों करते हैं लोग, इतनी बेकार चीज लगती। हाँ। फिर मेरे को जब इंटरेस्ट आया तो अभी इतना ज्यादा इंटरेस्ट है ना, लाइक पूरा स्टॉक में ही है कि मैं स्टॉक में, तो मैंने स्टॉक में कुछ एक चीज ढूंढी तो इसमें ये थी, तो मैंने एक कैंडल पे ट्रेड की। ये भी मेरी कैलकुलेशन की ट्रेड थी कि कैंडल मतलब मैं मान लेता था यार 2 PM या 2:20 पे मैंने बहुत बैक टेस्ट किया, और ये मेरी स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया काम की, मतलब पूरे बैक टेस्ट थे 4-5 महीनों HDFC बैंक में। नहीं नहीं स्टॉक हम रोकने ही वाले थे आपसे। हाँ सर, तो मतलब मैं, हाँ मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं इस पे किया नहीं, इस पे भी मेरे को एक फेलियर मिला। 220 की कैंडल मार्क करता था, लो हाई 1/2 का टारगेट लेना, बहुत सारे लाइक बैक टेस्ट की प्रॉफिटेबल थी। अच्छा। बट जब प्रैक्टिकल करने गया तो कुछ चीजें पता चली कि स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करते हैं लाइक 5x मार्जिन में, तो सेलिंग में तो टैक्स ज्यादा लगता है, और ये कैंडल कितनी बनती, 0.06, 0.10, 0.11 इतने की बनती थी, इसमें तो 300-400 का रिस्क लू तो दुनिया भर का टैक्स लग रहा है, मतलब अगर महीने के 2000 बच रहे हैं तो उसमें से 1800 तो टैक्स में ही जा रहे हैं। तो फिर यही स्ट्रेटेजी निफ्टी में ट्राई की, बहुत अच्छे काम कर रही, सही काम कर रही, बट उसमें भी एक डिसएडवांटेज, 10 पॉइंट की कैंडल बन रही है तो कभी कभी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ 10 पॉइंट जा रही है तो ऑप्शन में प्राइस बढ़ी नहीं रही, वो सब पढ़ा बट कुछ हुआ नहीं। फिर इसको क्या पॉज कर लिया कि इसको बाद में कहीं पे इसके साथ कुछ मैचअप करेंगे कुछ चीजों का चार्ट को। ये मैंने इसलिए बनाया कि लाइक सिर्फ कैलकुलेशन से भी कुछ चीजें जीती जा सकती, क्योंकि मार्केट का एक चीज नहीं सुनी थी, मार्केट एक जगह रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं मूव करेगी। तो उसके हिसाब से बनाई थी। फिर मैंने मतलब एक अच्छे वो है VP फाइनेंशियल उनका सीखा था, वो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी और सही लगी थी, लो हाई हायर लो हायर हाई, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगी, ये देखिए जो कैंडल मार्क की यहीं पे छोटी सी, उसका ब्रेकआउट हो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने का, तो बैक टेस्ट किया सही था तो, बट वो गया ना इंट्राडे में काम नहीं करती थी इतनी, क्योंकि इंट्राडे में स्टॉक अपने तरीके से चलता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे बढ़िया काम करती थी। अब फिर से वही दिक्कत आ गई कि बड़े टाइम फ्रेम पे लेने के लिए उतना मनी नहीं है, मतलब 40-50,000 है अभी के लिए इन्वेस्टमेंट, तो इतना पेशेंस है नहीं, क्यों पेशेंस है बट क्या है ना मेरे को लर्न करना, अभी पैसा नहीं कमाना, अभी बहुत सारा लर्न करना है, तो थोड़ी ज्यादा ट्रेड्स लेनी थी। तो फिर मैं ऐसे मतलब दिमाग में सोच रहा था कि यार कुछ ऐसा मिले कि इंट्राडे में ट्रेड करना है, इंट्राडे में स्टॉक को प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता कि कल के कल ये ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब ऐसा नहीं। मैंने आपका चैनल सर्च किया, मतलब मैं कितना लकी मानूंगा खुद को, मेरे को रैंडमली आपका वीडियो आया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे देखा, मैंने ऐसे देख लिया बस, और आपके बोलने का जस्ट 10 सेकंड सुना कि हाँ ये अच्छा बोल रहे हैं, वीडियो डाउनलोड करके देख के, तो एक देखा दो देखा आई गॉट इट कि ये मैंने चीज सोची थी और यही मेरे को मिला है, कि ये मेरे ही तरीके से ट्रेड करते हैं, लाइक आई वाज डैम इम्प्रेस्ड, और आपके जो चीजें ट्रेड करने के, तो मैंने समझ लिया कि मेरे को ज्वाइन करना। इवन मैंने क्या ना, मैं ना सचिन जी से काफी चीजें रिलेट कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा लाइक टोटली, थोड़े से चेंजेस होंगे कि मैंने ना ओवर पढ़ाई कर ली, हर चीज को बहुत ही ज्यादा देख ली, इतना कि अब वही वाला इश्यू है कि अब यू नो बहुत ओवर नॉलेज ना खराब हो जाती है। और मैंने भी लाइक 12th करके फिर फोटोशॉप वही फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारा सीखा, लोगों के लिए फ्री थंबनेल्स बनाए अच्छे अच्छे, और फिर मतलब इतना कुछ किया नहीं, तो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट था, पापा ने बोला और मैंने किया, तो ऐसे करके फिर मेरे को आपका मिला, मैंने आपका सोचा, और मैंने आपका ज्वाइन करने का भी रीजन उनसे काफी सिमिलर, उनका साइकोलॉजी मेरा ये था कि स्ट्रेटेजी तो मैं आपसे सीख ही जाऊंगा, चीजें तो सीख ही जाऊंगा, बट मुझे आपका साथ इसलिए चाहिए, मैं इतना एनालाइज किया ना कि मैं आपके यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीख गया, और मैंने यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कुछ
काम भी किया और वो सही चला भी, बट वो होता है ना कि मेरे के यहाँ जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, मतलब फादर पे बहुत सारा एक बर्डन है, इतना कि कॉर्पोरेट जॉब में करूंगा 8-10 साल लग जाएंगे, तो मेरे को ना एक अंदर नेगेटिविटी है कि कुछ भी सही चलता नहीं मेरे साथ। तो मैंने आपको ज्वाइन मेनली इसलिए किया कि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं, चीजें तो सीख जाऊंगा, कनेक्टेड रहूं और एक वो गुरु हो और मैं आपको अपनी चीजें बता पाऊं कि ये ऐसा स्टॉक है, तो एक वो भी रीजन था। और एक हाँ, एक आपको ना मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे ही नहीं, मतलब आप कुछ भी एनालिसिस करो अपनी कुछ भी, मैं आपको सुनना चाहूंगा एनी टाइम, ठीक है। एक ये भी ये बड़ा रीजन था, तो मैं चीजें तो सीख जाऊं, और आपका मेरे को मिला उसी चीज के लिए है, वही स्टॉक इंट्राडे में। तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि मैं आपका एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करूंगा। पहले क्या हुआ, 12th के पहले ना पढ़ाई चल रही थी, बट फिर गेम्स खेले ऑनलाइन, पबजी वगैरह, तो 5 साल निकल गए उसमें और पता ही नहीं चला, पता चला पढ़ाई में बहुत पीछे रह गए। फिर बीए की नहीं, 3 साल, मेरा भी ऐसा ही है सचिन जी जैसा कि हाँ, मैं भी बीए का आई मीन आर्ट्स का स्टूडेंट था, बट इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में था। फिर अभी 3 साल और गुजर गए ये कोविड के बाद, ट्रेडिंग सीखे हुए 2 साल हो गए, बट मेरी ना ओवर नॉलेज की वजह से कुछ चीजें, वही ये भी उनसे रिलेट करूंगा कि लॉस नहीं करना है, कैपिटल प्रोटेक्ट करो। तो चीजें सीखी, ट्रेड कम की, अभी लाइव है वो, बट थोड़ा ऑप्शंस में ही किया है, तो सीखी। और फिर ओवर थिंकिंग बहुत सारी होती है। एक क्या ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब 2010 से कुछ एक दिक्कत है जिसका अभी कोई इस दुनिया में वो इलाज नहीं है, मतलब कुछ है मैं एबनॉर्मल जो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा। तो एक वो भी है कि जल्दी से थोड़ा पैसा कमाओ, तो उसके लिए दुनिया में कहीं जाऊं लाइक फॉरेन में और उसके इलाज देखूं, अभी तो है नहीं, डॉक्टर्स ने बोला पॉसिबल नहीं, भविष्य में आएगा। एक वो भी है, फादर का बर्डन है, तो बहुत सारी चीजें उनकी वजह से नेगेटिव फीलिंग आती है। तो आपके साथ कनेक्ट हुआ और आपका जस्ट कल वाला एक सेशन सुना ना, वही ओवर एनालाइज की वजह से हो सकता है ट्रेड में प्रॉब्लम हो। चीजें बहुत सारी एनालाइज की और मैंने आपके बोलने पे बहुत सारे स्टॉक देखे और एक अच्छा स्टॉक चुना भी है, मतलब ट्रेड नहीं करूंगा मैं, मेरा क्या माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है कि मैं ना एक रोबोट की तरह काम कर सकता हूँ बहुत सारे, और ये मेरा शुरुआती फेज है, मैंने ट्रेडिंग अब तक की नहीं की, मेरे को स्टॉप लॉस या ऐसा लेना बीच में मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मतलब वो मैं कर सकता हूँ, वो एक चीज है मेरे अंदर। तो मैंने ना आपके कल वाली मार्किंग पे ना बहुत सारे एनालाइज किया और खुद से भी कुछ चीजें देखी, एक बहुत ही परफेक्ट स्टॉक ढूंढा जो आपने कल बताई थी उसमें, हालांकि आपने काफी सारी चीजें तो अपने पुराने स्टूडेंट्स के हिसाब से बताई। तो मैंने एक स्टॉक देखा, आप देखिए गुजरात गैस स्टॉक, उसपे मैंने आपने जो कल चीजें वो कल नहीं आई मीन लास्ट वीक का जो था, मुझे आपने रिकॉर्डिंग दी थी, मैंने लेट ज्वाइन किया था गुज गैस, तो उसमें आप एक बार लगाइए और वो देखिए। वन डे पे मैंने मार्किंग की है एकदम, मतलब ऐसा वो उसके हिसाब से की थी वो वन डे पे। हाँ वही, इसमें अभी ग्रीन कैंडल बनेगी पीछे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो मार्किंग करके और इधर नीचे, और ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे है और इसमें वो वॉल्यूम डाउन भी, हालांकि ये चीजें आपने हमको अभी तक पढ़ाई नहीं, बट मैंने कुछ जस्ट एनालाइज की है कि लाइक दो वॉल्यूम गिरी और स्टॉक पॉजिटिव है और वो अगर अपने सपोर्ट लेवल पे, बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे पीछे से देखा था, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है, ये चीज एनालाइज की। और भी कई स्टॉक्स किए हैं और वही ओवर एनालाइज, मतलब पढ़ने का वो ज्यादा शौक है, मतलब बहुत ही ज्यादा की इवन मेरे को ना, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारे, मतलब मुझे पढ़ना ज्यादा अच्छा लग रहा है और करने में अभी तक कम है, बट हाँ अभी आगे करना है और मैं आप ही की स्ट्रेटेजी एक तरीके से पूरी फॉलो करूं। और बाकी पहले मैंने चीजें बस इस हिसाब से बनाई थी कि बिना कैलकुलेशन के भी ट्राई करते, यू नो वही पढ़ाई थी और कि करके देखता हूँ कि पॉसिबल है या नहीं है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी में थोड़ा पॉसिबल है, बट हाँ मुझे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम करना है और अभी प्रॉपर सही से करना है वो रूल्स फॉलो, और तो मैं आपके बताए हुए पे सही से करूंगा। पहले और भी मैंने आपने इस पर पहले प्रॉफिटेबल हो जाएगा, इसके बाद में फिर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करना। हाँ नहीं सर, वो मैं करूंगा ही नहीं, अभी मेरे को इंटरेस्ट इतना कम हो गया। हाँ एक बड़ा रीजन ये भी, मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को सुना है ना, एक हाँ ये अभी याद है
कि मेरे को स्टॉक में इतना इंटरेस्ट क्यों है कि स्टॉक में ना एक वैरायटी होती है, 30-40 स्टॉक है, तो एक में 30% चांस है, एक में 50, एक में 70, तो मैं एक बहुत अपने पास टाइम है ना एनालाइज करके कि मेरे को सीखना है, बट सही सीखूंगा निफ्टी में एक दिन में क्या ही ज्यादा सीख लूंगा, लेकिन हाँ 50 स्टॉक अलग अलग देखूंगा, दो तीन बढ़िया निकाल, उसमें क्या है मैं ऐसा नहीं निकाल सकता कि कल ही मुझे बढ़िया चलाना है, उसमें आपकी वो बात बहुत सही फिट बैठती है कि आपको एक एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कम से कम 3-4 साल, क्योंकि उसमें जो बंदे जो भी अच्छे ट्रेडर वो ट्रेड करते हैं वो कभी कम क्वांटिटी में कर लेते हैं कभी ज्यादा में, क्योंकि वो देखते हैं कि आज कितना चल सकता है कैसे चल सकता है, तो वो चीज एक नया ट्रेडर उतनी आसानी से नहीं समझ सकता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में शुरुआती फेज में सक्सेस होना। स्टॉक में क्या आप अपनी एनालिसिस पे निकाल सकते हो कि इसके चांस इतने, इसके इतने, इसके इतने हैं कि हाँ अभी ये चलेगा इस हिसाब से, तो एक वो भी रीजन है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी बाद में, और अभी पूरा इंटरेस्ट ये स्टॉक में ही है सर, और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये कहीं भी चल सकता है, तो मतलब हर तरीके इसमें भी वही लो हाई एंड पूरा प्राइस एक्शन है, एक ही हाँ बहुत बड़ा रीजन था ज्वाइन करने का, पूरा प्राइस एक्शन है, आई लव प्राइस एक्शन बिना कुछ चीजों के, क्योंकि प्राइस एक्शन दुनिया के हर चार्ट में उसी तरीके से काम करेगा, बाकी चीजें बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, बट ये वैसे ही काम करता रहेगा, और आगे मैं अगर कुछ अलग भी करता हूँ ना आज से कई साल बाद, तो ये सारी चीजें काम तो आएंगी ही, ये तो सब अभी एक काम मेन आएंगे। प्रॉब्लम वही है जो आपने सचिन जी को बताई थी, मेरे साथ भी वही है थोड़ी सी, कि बहुत सारी चीजें देख लिया ना तो अभी थोड़ा इन ओवर ओवर वो नॉलेज हो गई है, ओवर एनालिसिस तो थोड़ी बेकार चीज है, और वो कितने कम समय में हुई, मुझे तो मार्केट ज्वाइन किए हुए 1.5 या 2 साल हुए हैं और इतना समझ गए, मैंने अभी तक लॉस किया नहीं है, वो हाँ एक बार किया था 20,000, वो भी बस टैक्स लगे थे, टैक्स 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 टैक्स, लॉस कभी नहीं किया है, पूरा प्रोटेक्ट किया है, वो एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि प्रोटेक्ट करना सीख गया, बट हाँ ओवर नॉलेज वो एक नेगेटिव पॉइंट है ऐसा। ठीक है। अच्छा है मोहित जी, आप काम करिए, हो जाओगे सक्सेसफुल, और जो आपकी हाँ बीमारी है वो हाँ भी सही होगी। हाँ वो हो जाएगी, ठीक इतने ज्यादा कुछ इश्यू नहीं है, बट हाँ वो भी एक करना है कि वो मतलब उस सब की वजह से मैं बता रहा हूँ कि वो नेगेटिव वाइब आती थी, कि अभी तक समझ जब तक गए। ये पता नहीं था ना कि इन तरीकों से काम करना है वॉल्यूम, या मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि लाइक ब्रेकआउट हो गया, मैंने 1 डे की कैंडलों पे पोजिशनल ट्रेड ले लिए, बट अब ये कल ही ग्रीन कैंडल बनी कि इसका कैसे पता लगे, तो मैंने आपकी बातें सुनी और आपकी पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखी ना, तो आई गेट टू नो कि हाँ ये चीजें भी काम करती है, हर चीज को किया जा सकता है, गुजरात और गैस पे वो कल मैंने ग्रीन। बताया कि मैं हाँ कि यहाँ से चांस है, क्योंकि ये एक पीछे से देखेंगे तो एक वो उसमें था और ट्रेंड में, और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी था। गुजरात गैस में कल ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए हो सकता है दिख जाए। हाँ तो मैंने बस अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए चीजें की, और ठीक है, सब लोग देखिए गुजरात गैस को, देखिएगा कल इसमें हो सकता है ग्रीन कैंडल बने, लेकिन गुजरात गैस को ट्रेड मत कीजिए क्योंकि ये बहुत कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है, इसकी मूवमेंट अच्छी नहीं होती है। हाँ ये पोजिशनल में ही सही काम करता है, मैंने बस मतलब देखा कि हाँ कैसे काम करता है, और भी मैंने कई स्टॉक्स देखे थे वो लिस्ट में थे सब भी। अब ये देखिए यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर बहुत क्लोज हुआ, सीधे गैप डाउन हो गया, यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर ये कैंडल देखिए कैसी बनी है, फिर गैप अप हो गया, मतलब यहाँ पर देखिए क्लोज हुआ सीधे गैप अप हो गया, यहाँ क्लोज हुआ गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया। हाँ ये मालूम है, ये लेस वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उसकी पहचान होती है ऐसे सर, स्टॉक्स एक और को। मेरा हाँ कंसर्न था कि जैसे आप सारे स्टॉक सही चुनते हैं, मतलब ये मैं अपने बहुत बाद के समय के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, कि जैसे आप एनसीसी को चुना है वो कम प्राइस का स्टॉक है बट आप बोलते हो वॉल्यूम आती, तो वैसे हाँ एक और स्टॉक है भेल, वो मैं पूछ इसलिए रहा कि वो स्टॉक ना मेरे फादर को काफी पसंद है, तो ओके मैं भविष्य में उनके लिए उनमें कुछ सेटअप बना के उनको कुछ चीजें सिखाऊंगा, ये स्टॉक उनको बहुत पसंद है ट्रेड करना, अच्छा तो मतलब वो पहले करते थे, हाँ तो क्या ये उसकी तरह चुना जा सकता है, लेकिन एनसीसी की तरह कि इसमें इंट्राडे में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आती है बट हाँ बहुत कम प्राइस का स्टॉक है। हाँ ये आती, लेकिन अगर हमें आपको आगे तो भील को हो सकता है हम ट्रेड नहीं करेंगे।
हाँ सर, उसका आप मतलब रीजन बताएंगे तो वो मैं भी कैंडल्स सुनना कैंडल्स अच्छी चाहूंगा। नहीं, कैंडल्स अच्छी नहीं बनती है, अच्छा हाँ, ये उसकी तरह आइडिया की तरह और देख रहे हैं ना, टाटा स्टील की तरह कैंडल्स बनती है, अच्छी मतलब नहीं है। ये इंट्राडे में अच्छा नहीं है ऐसे हाँ छोटी नहीं, कैंडल्स हाँ तो। मैनिपुलेटेड, हम ऐसा मानते हैं, मेरा पर्सनल व्यू हाँ ऐसा है कि ये मैनिपुलेटेड है। हाँ सही कह रहे हैं सर, मेरा भी यही ओपिनियन था देखने। अगर एनसीसी के अंदर ऐसी कैंडल बनेगी तो हम एनसीसी को भी ट्रेड नहीं करेंगे। जब हम देखते हैं कि एनसीसी सही लेवल पर है और वॉल्यूम्स हाँ अच्छी आ रही, तभी हम एनसीसी, अभी तक देखो कई दिन से हम एनसीसी को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सर, इधर काफी दिन से हम एनसीसी को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन यही है, देख रहे हैं ना, इसकी कैंडल और भेल की कैंडल आपको एक जैसी दिखाई पड़ेंगी, हाँ सर, यही रीजन है हम एनसीसी जब को। आप ट्रेड करते हैं तब ये कैंडल्स थोड़ी बेटर दिखती है, तो आप शायद अच्छे वो चांस का वेट करते हैं और जिस दिन आपको सही। हाँ तभी, वरना वॉल्यूम्स की बहुत कम वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ऐसे में एनसीसी ट्रेड करोगे अचानक से कोई कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी और फिर वो नीचे जाएगी, पता चलेगा कि आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए ही वो कैंडल ऊपर गई थी हाँ ना। अब देखिए 1100 रुपए का ये स्टॉक है, बस सॉरी 121 रुपए का, और वॉल्यूम देखिए 4000 आ रही है सर, ना, इतनी कम वो प्राइस का स्टॉक भी और वॉल्यूम 4000 है, मतलब ये लेस इंटरेस्ट शो करता है एक तरह से इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर्स का। बाकी ये हमारा अपना पर्सनल व्यू है, हाँ सर आपके सही, फादर अगर भेल को ट्रेड करें तो कुछ ना कुछ हो सकता है, मेरे लिए जो हाँ नेगेटिव उनके थी वो उनके लिए थोड़े अलग पॉजिटिव है। रहते थे, वो जो बीटीएसटी वगैरह करते थे। हाँ हाँ तो सही है, उसके लिए सही है। सर, तो मुझे मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा, और यही कहना था कि लाइक मल्टीपल रीजन, सिर्फ वो स्ट्रेटेजी नहीं कि आपको सुनना और आपके तरीके और एक वो गुरु की भी तलाश थी कि हाँ, और लाइक आई एम कितना लकी मैं बोलना चाहूंगा, मुझे ऐसी तलाश थी कि यार मुझे इंट्राडे में स्टॉक करना, और लाइक आपका एक रैंडम वीडियो सजेशन आया और चैनल देख के मुझे लगा लाइक हाउ कैन, मेरे को यकीन नहीं हुआ ये चैनल लाइक इतना कम पे गया, शायद यूट्यूब के कुछ एल्गोरिदम में फंस गया वो, लाइक रीच नहीं मिल रही चैनल को, वही सेम व्यूवर्स के सामने जा रहा है तो ऐसा लगा, बट हाँ नॉलेज बहुत ज्यादा थी सर। बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आपको ज्वाइन करके, और अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जी। बाकी अपने फादर से बहस मत कीजिएगा जाकर, क्योंकि बिल को ट्रेड करना छोड़ दो नहीं नहीं सर, है? वो अभी ट्रेड करते हैं नहीं, वो मेरे तरीकों पे काम करना चाहते हैं, उन्हें लाइक मेरे एक में बेस्ट चीज ये बोलना, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं तो भी वो सपोर्ट है कि वो चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग सीखूं, और वो ज्यादा चाहते हैं। बीच में मेरे को इंटरेस्ट खत्म हो गया था कुछ टाइम के लिए, लाइक मैंने 4-5 महीने के लिए छोड़ दी थी, मैं कुछ और काम करने लग गया, और फिर वापस आए ना तो काम करने के तरीके बदल गए मेरे, लाइक पहले मैं बड़ा नेगेटिव होता था, तो शायद कुछ चीजों में ब्रेक लेना भी अच्छा होता है, तो वो मेरे लिए ब्रेक एक अच्छा होगा, और वापस आके अभी मैं पूरा फुल्ली इंटरेस्टेड हूँ, और अभी ना मतलब जिंदगी बड़ी नेगेटिव है ना, तो उसकी वजह से कि अभी तक तो कुछ किया है नहीं, पढ़ाई की नहीं, कोई कोर्स नहीं किया अभी, मतलब कुछ नहीं, अभी बस एक चांस मिला है कि मेरे फादर के एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला एक कोर्स है वो करके ना आपको उधर जॉब मिल सकती है यूएई में उनके साथ में, तो मैंने आपको ज्वाइन करने के पहले ये भी बताया था कि मैं सीखना चाहूंगा आपसे जल्दी से, हो सकता है 6-7-8-10 महीने बाद, तो मैंने ये सोचा कि लाइक मैंने अपनी फैमिली को अभी तक कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ऐसा चांस मिल रहा है तो खुद का अर्न करके, प्लान यही था कि 3-4 साल अर्न करके वापस आऊंगा, करना तो ट्रेडिंग ही है, तो खुद के मनी पे रिस्क लूंगा ना तो और सही लगेगा, अभी अदर के भी पे है, पर हाँ इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कभी ना अपने कैपिटल पे डेंट नहीं आने दे सकता, मतलब बहुत कम रिस्क लेता हूँ, और प्रॉपर वो मैं बोला ना रोबोटिक वाली माइंडसेट है कि हाँ जो करना है वो फिक्स है, ऐसा मेरी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, नेगेटिव हूँ फिर भी कि हाँ इतने से मेरे को ऐसा करना ही नहीं है, तो जबरदस्ती मैं करूंगा नहीं जो नए ट्रेडर के साथ होता है, ठीक है मोहित जी, तो वही एक ओवर एनालाइज वाली काफी लाइक आपकी चीजें देखता हूँ तो थोड़ी थोड़ी दूसरों के आने लगती कि यार ये वाला वैसा, बट फिर इग्नोर करने कोशिश करता हूँ, ये चीज आपने एक बार और सेशन में बोली थी पुराने बहुत से कि कम नॉलेज होती, मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर देखे कि लाइक मैं गलत वे में नहीं बोल रहा, वो बहुत कम एजुकेटेड है, उनको ज्यादा कुछ पता भी नहीं है चीज, बट उनको एक तरीका पता है कि हाँ मैं ऐसे काम करना है एंड दे आर सक्सेसफुल, हाँ तो ज्यादा चीजें भी नहीं चाहिए होती, बट आपकी वही बात है कि सही से काम करो, आप एक सेटअप पे करो, एक सेटअप पे करोगे वो इतना स्ट्रांग होगा, तो बस अभी आपका वाला है वही कि मेरी जैसी पसंद थी वैसे मुझे गुरु मिल गए, वैसी चीजें मिल गई, तो आपसे सीख
में बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया मोहित जी। बाकी एक काम करिए, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो मतलब सीख रहे हो, टेक्निकल हम जो सिखा रहे हैं वो तो ठीक ही है, पढ़िए। ट्रेडिंग्स के ट्रेडिंग की इंग्लिश समझ में आती है आपको? हाँ सर, इंग्लिश आती पूरी। ट्रेडिंग के ऊपर, सभी लोग इस बात को सुनिए, ट्रेडिंग के ऊपर जितनी भी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं वो इंग्लिश में ही आपको मिलेंगी, जितनी भी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं, क्योंकि हिंदी में ट्रेडिंग की फील्ड में अच्छी बुक्स नहीं लिखी गई हैं। इन फ्यूचर अगर आप ही लोगों में से कोई अच्छी बुक्स लिखे और वो पब्लिश हो तो हो सकता है कि ये जो कमी है ये पूरी हो सके इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अभी के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा और पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। पढ़ने से ये सेंस हमारा नहीं है कि उससे आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी, नहीं। एक ट्रेडर का जो सेंस होता है वो पकड़ में आएगा आपको कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है। कोई भी बुक अगर पढ़ना तो इस प्रोस्पेक्टिव से मत पढ़ना कि इस बुक के अंदर हमें ट्रेड करने का कुछ कुछ मिलेगा, या कोई टूल ऐसा मिल जाएगा, या कोई स्टडी, या कुछ 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 ऐसा मिल जाएगा हमको इस बुक के अंदर से जिसका यूज हम ट्रेडिंग में कर ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ करना मत, अगर मिलता भी है तो मत करना, क्योंकि जो सिस्टम आप करो फिर यही होगा कि आपका आपके सिस्टम पर बिलीव नहीं है। पढ़ो। हाँ सर, इसी तरीके से ना मैं भी क्या करता हूँ, ओवर एनालाइज को जब मैंने आइडेंटिफाई किया ना कि हाँ मैं कई चीजों को ओवर एनालाइज, तो अब उस पे कंट्रोल हो गया, तो अब भी ना मैं देखता लाइक काम आपके तरीकों से करना, बट मैं लोगों को देखता क्यों, अलग ट्रेडर को पता है मैं, मुझे उनकी स्ट्रेटेजी काम करने के तरीके से मतलब नहीं, बट हो सकता है उन्होंने कुछ एक बात बोली हो जो अच्छी लगी हो, जैसे कि पीपी फाइनेंशियल से वो बोलते हैं कि आप ट्रेड करो ना, आप मल्टीपल कंफर्मेशन होगी ना तो वहां पे आप और ज्यादा श्योर हो गए, तो एक वो चीज सही लगी कि हाँ इसको देख सकते हैं, या मतलब अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं ना तो उनकी हर एक चीज अडॉप्ट नहीं करनी होती, बट हाँ कुछ अच्छी चीजें होती है जो हमारे तरीकों में बदलाव नहीं लाएगी बट हाँ हमारे माइंडसेट में चीजें चेंज कर सकती है, तो उस वजह से भी मैं कई सारी बाहर की बुक्स और डिफरेंट चीजें भी करता हूँ, तो उससे काफी कुछ ट्रेडिंग में बेनिफिट मिलता है, मतलब सीखने मिलता है। सही है, तो फिर ठीक है, सही दिशा में जा रहा हूँ। ओके मोहित, शुक्रिया जी सर, थैंक यू। आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा, हमने नहीं सोचा था कि इतनी ही लंबी बातचीत चलेगी, 11:30 होने वाले, और टाइम का पता नहीं चला है। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, और कल जैसा भी होगा ग्रुप में हम सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। जिन्हें हमें वीडियोस प्रोवाइड करने हैं तो कल उनकी क्लास नहीं होगी, उन्हें हम सिर्फ वीडियोज़ देंगे और मंडे से आप लोग वीडियोज़ वगैरह देखोगे। और हाँ, वीडियो प्ले कैसे करने ये हो सकता है, इसके लिए हम आधे घंटे की क्लास आपकी ले लें, तो उसमें बता देंगे कि वीडियो वगैरह प्ले कैसे होंगे, और अगर कोई इशू आता है तो वो इशू कैसे रिसॉल्व होगा तो वो हम बता देंगे आपको। और ट्रेड डिस्कशन जिस ग्रुप का है कल, तो ट्रेड डिस्कशन होगा, और बाकी अदर ग्रुप का जो भी होगा तो ग्रुप में ही हम इन्फॉर्म कर देंगे कुल मिलाकर के कल। हाँ चित्रांश, वीडियो जो भी होगा वो मेल पर आएगा आपको, कल हम बता देंगे, कल क्लास लेंगे ना तो उसमें बता देंगे। तो आज जितनी भी बातें हुई हैं उसको एज ए एक्सपीरियंस लेकर के आप लोग आगे की तरफ बढ़िए और पढ़ो, जितना हो सके आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो उस फील्ड में जो मास्टर्स हो चुके हैं उन मास्टर्स को पढ़ो, वो कुछ ना कुछ अपनी लिखी कुछ बातें छोड़ करके गए हैं तो उन्हें पढ़ो, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा हो ना हो वो आपके प्रोस्पेक्टिव आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कुछ सीखना चाहते हो। लेकिन इतना हमें मालूम है कि किसी बुक को अगर आप पढ़ोगे तो आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए पढ़ सकते हो आप ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। एना कुलिंग को उठा लो, एना कुलिंग ने वॉल्यूम के ऊपर बहुत कुछ बता रखा है, एना कुलिंग को पढ़ो, एना कुलिंग को पढ़ोगे तो एना कुलिंग से ही आपको और भी कई सारे रेफरेंस मिलेंगे, उनको पढ़ो, उन राइटर्स को पढ़ोगे तो उसके अलावा फिर पढ़ते एक बुक को फिनिश करते करते आपको अगली कौन सी 5 बुक्स पढ़नी है इसका रेफरेंस मिल जाता है। अगर आप बुक रीडर हो तो आपको पता होगा कि राइटर खुद लिखते लिखते किसी अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड का, या किसी के सेमिनार में अगर वो गया तो उस सेमिनार में बोली गई किसी बात का, या उस वो वाक्य बोला किसने है उस राइटर का, वो जिक्र करते तो आपको समझ में आता है, अच्छा ये राइटर को अगर ये राइटर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, आप जाकर के उस राइटर को सर्च करते हो, उसकी लिखी बुक्स को डाउनलोड करते हो, फिर पढ़ते हो।